हेलो गाइस, आई थिंक मैं सबको विजिबल हूँ आज। और आज थोड़ा पावर कट का इशू था तो इसीलिए मैं थोड़ा लेट हो गया। आई थिंक मैं सबको विजिबल हूँ आपको, तो एक बार मुझे लिख के बता दो फटाफट कि मैं लाइव हूँ या नहीं। थैंक गॉड अच्छी क्लास हो रही है, क्योंकि काफ़ी टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे थे। अभी भी कुछ वीडियो क्वालिटी की इश में शायद थोड़ा बहुत इशू हो सकता है, बट लैग नहीं करेगी क्लास। एक बार सब बता दो फटाफट मुझे, मैं लाइव हूँ या नहीं। आज एग्जामिनेशन खत्म तो नहीं होगा, बट या बहुत कुछ कोशिश करेंगे, काफ़ी कुछ हो जाए। कल के जो थोड़े से क्वेश्चन रह गए थे वो भी कर लेंगे। आ गए, एवरीथिंग इज ओके। यस, एवरीथिंग इज ओके। काफ़ी बारिश आ रही है और थोड़ा लाइटिंग इशू भी लग रहा है। कोई बात नहीं, वर्क ऑन दैट। आज तो कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं आ रही ना सर, टाइम पे आया करो। अरे यार, लाइट चली गई थी क्योंकि साइक्लोन आ रहा था, अभी लाइट आई इसलिए 5-7 मिनट लेट हो गई। थैंक गॉड लाइट आ गई, क्योंकि आज बहुत, मैं जयपुर में रहता हूँ और यहाँ सुबह से बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। आज 2 दिन से हो रही है एक्चुअली। आज का टॉपिक एग्जम्पशंस है, और कल मेरे ख्याल से जिसने भी सप्लाई का वीडियो नहीं देखा ना वो देख लेना। मेरे ख्याल से जिन्होंने देखा उनको तो सही लग गया होगा। और आज हम एग्जामिनेशन करने वाले हैं, मैंने इसके नोट्स बना रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नोट्स हैं। स्पेशली मैं जो नोट्स बनाने वाला हूँ ना, उसका एरिया सी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से रहेगा। लेकिन सी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में क्या होता है कि बिखरे बिखरी जगह चीज़ें हैं खूब सारी, और कुछ क्लैरिफिकेशन भी नहीं पता। तो मैं अपने नोट्स में सब कवर करूँगा, क्योंकि मैं आपको भी बताऊँगा ना, मैं हाईलाइट करवाऊँगा, तो आपको लग जाएगा कि नोट्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, शुरू करें। देखो, आज सिस्टम चेंज किया है तो वो वाला स्लाइड रह गया मेरा, जो मेरा खुद का इंट्रोडक्शन होता है उसमें। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप अनअकैडमी से सारी क्लासेस ले सकते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे। स्पेशली आप जैसे 1 महीने का कोर्स लेना है वो भी ले सकते हैं, 2 महीने का, 6 महीने का, सब ले सकते हैं। मेरा कोड यूज़ करेगा ना एक ही टाइम, तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा। तो ठीक है साहिल, आज आप आ गए, कल तक आप गायब थे। तो ठीक है, थैंक यू। तो आज शुरू करते हैं क्लास। सॉरी फिर से पावर कट के कारण 5-7 मिनट लेट हो गया क्लास, बाकी तो ठीक था। और फिर लेट होने के कारण क्या हड़बड़ी हो जाती है ना थोड़ा सा, ऐसा जल्दी 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 खोलो जल्दी खोलो, तो वो वाला स्लाइड रह गया क्योंकि नया सिस्टम था। तो आज एकदम कल एक बार फटाफट क्वेश्चंस कल के करा दूं, मतलब 2 मिनट देख लें एक बार, या फिर एक बार मुझे बता दो, या फिर एकदम से ही शुरू करें। और एग्जामिनेशन के जो नोट्स है ना, वो आज रात तक बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, और फिर क्वेश्चंस भी डाल दूंगा। ठीक है, जो अब तक आए हुए हैं एक बार मुझे लिख के बता दो। सर, आपकी तबीयत ठीक है अब? हाँ, तबीयत पहले से बेटर है, बीच में ख़राब हो गई थी बट अब ठीक है। कहानी शुरू करें, एग्जामिनेशन क्या है, क्यों आई, क्या सीन था। देखो ये चैप्टर है ना, सच बता रहा हूँ, वैसे आपको बोरिंग लगेगा पर मैं बोरिंग करके नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि आप खुद से पढ़ोगे ना, कभी पूरे दिन एक दिन एग्जामिशन लेके पढ़ने लग गए तो बोर सा लगेगा। और क्या होता है, कुछ ऐसे याद नहीं करनी एग्जाम में। एग्जामिशन की कुछ स्पेशलिटी है वो बता देता हूँ। पहले यस और नो लिख दो कि सब कुछ सी आज तो ठीक है ना, मतलब कोई वॉइस या टेक्निकल या वीडियो कुछ इशू थोड़ी लग रहा है आपको। पहले ये क्लियर कर दो मुझे, फिर आज शुरू करते हैं। जल्दी से लिख दो, कहानी आगे की शुरू करें आज। अभी मेरे सामने मॉड्यूल भी रखा है, क्योंकि मैं मॉड्यूल से पढ़ाने वाला हूँ, और मैं मॉड्यूल से पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू ट्विंकल, थैंक यू। लकी वर्मा टाइम पे आया करो। अरे बोल दिया ना लकी तुम्हें कि आज लाइट गई हुई थी यार।
जो लोग टेलीग्राम पे, उनको पता है आज कितनी मुश्किल से क्लास हो पा रही है, उनको हर चीज़ की अपडेट है उनके पास। तो आज चैप्टर शुरू करेंगे एग्जम्पशन। आज के पढ़ने वाले हैं एग्जम्पशंस, कोई दिक्कत सर? ठीक है ना? वो पेंसिल कैसे सेलेक्ट करते हैं यार, इसमें जो होता है ना, ये सिस्टम थोड़ा सा नया है, मुझे इतना पता नहीं है इसके बारे में। पहले तो सीएनशॉट के मॉडल से पढ़ाता हूँ। देखो तो पहले तो होता है जीएसटी लेवी। अब जो जीएसटी लेवी वाला चैप्टर है ना, वो होता है चार्ज ऑफ जीएसटी, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसके बाद चार्ज ऑफ लेवी पढ़ेंगे, पहले एग्जम्पशन पढ़ लेते हैं, फटाफट से खत्म करा दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन इसको अपन बहुत छोटे में डिवाइड करेंगे, और सारी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एग्जाम में आती है ना, वही पढ़ेंगे। और उसके नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल भी दे रहा हूँ आपको, सारे सी इंस्टीट्यूट के नोट्स, और इसी के छोटे छोटे नोट्स बना के वो भी डाल दूंगा। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला, अब सी एन शूट का मॉड्यूल देखो, अभी मत खोलो क्योंकि मैं रात को नोट्स तो डाल ही दूंगा। अब ये 138 पेजेस हैं, तो वो 30 पेजेस में खत्म हो जाएंगे, 30 या 35 पेजेस में पूरा। तो अभी मेरे साथ देख लो जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, क्योंकि जो लिखा हुआ है वही नोट्स में होगा, लेकिन इसमें लिखा हुआ बहुत ज़्यादा है और नोट्स में बहुत कम होगा, जो कि एग्जाम के लिए रेलिवेंट है बस। और बहुत सिस्टमेटिक भी में होगा, इसमें बहुत बिखरा बिखरा है। कोई जैसे चैरिटेबल प्लस, अभी आप देखोगे कोई चीज़ 4.4 पे है तो कोई 4.65 पे है, बहुत बिखरा बिखरा हुआ है। ठीक है, शुरू करें। अब एग्जाम्पशन देखो क्या होती है, दो तरह की एग्जाम्पशन होती हैं। शुरू, पावर टू ग्रांट एग्जाम्पशन फ्रॉम टैक्स, एक तो होती है एग्जाम्पशन बाय नोटिफिकेशन, और एक होती है स्पेशल एग्जाम्पशन और जनरल एग्जाम्पशन, दो तरह की एग्जाम्पशन होती है। मैं बताता हूँ, पहली बात तो ये बात कर लेते हैं, पहले चैप्टर में कर ली थी कि एग्जम्पशन लाता कौन है, जीएसटी काउंसिल एग्जम्पशन लेके आता है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल के पास सारी पावर होती है एग्जम्पशन लाने की। पहले बताया था कि जीएसटी के अंदर अगर एक पत्ता भी हिलेगा तो जीएसटी काउंसिल ही लाता है वो, तो जीएसटी काउंसिल के पास सारी पावर होती है, तो एग्जम्पशन जीएसटी काउंसिल लेके आता है। ठीक है, कुछ ना कुछ हेलो आई एस लिखते रहो, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मुझे पता ही नहीं चलता कई बार तो कि कुछ हो भी रहा है, नहीं हो रहा, मैं बोलता ही तो नहीं जा रहा कहीं अपने आप ही। पहला पॉइंट पढ़ते हैं, जो जो काम की चीजें वही पढ़ाने वाला हूँ। वेयर द गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट इट इज नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट, इट मे बाय द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन एग्जेम्प्ट जनरली इज एब्सोल्युटली सब्जेक्ट टू सच कंडीशन। देखो, एक तो गवर्नमेंट को लग रहा है कि ये एग्जम्पशन सबके लिए एग्जेम्प्ट करनी चाहिए, मतलब कोई स्पेशल एंट्री है सबके लिए एग्जेम्प्ट करनी चाहिए, तो एक नोटिफिकेशन के थ्रू जनरल निकाल देगा। एक होता है स्पेशली, कि गवर्नमेंट को लग रहा है कि इस स्पेशल केस में हमें एग्जाम करना चाहिए, तो गवर्नमेंट उस केस में एग्जाम कर देगी। अब मैं दोनों के एग्जाम्पल दूंगा। ठीक है, पहले एक बार और नीचे आके देख लेते हैं क्या लिख रहा है, इसमें लिखा हुआ बहुत ज़्यादा होता है ना। देखो, एग्जाम्पशन कैन बी फ्रॉम और होल और पार्ट ऑफ द टैक्स, एग्जाम्पशन या तो पूरी चीज़ की हो सकती है, हो सकता है कि पूरा अमाउंट एग्जाम कर दे, हो सकता है 50%। ठीक है, एग्जाम्पशन कैन बी ग्रांटेड बाय नोटिफिकेशन और बाय स्पेशल ऑर्डर, अनकंडीशनल एग्जाम्पशन इज मैंडेटरी, इस पर हम आगे बात करने वाले हैं, कंडीशनल एग्जम्पशन इज ऑप्शनल। अब देखो, पहली बात तो तुम्हें पूछोगे कि स्पेशल एग्जम्पशन क्या होती है। जैसे सपोज करो विराट कोहली को एक गाड़ी, लग्जरी गाड़ी गिफ्ट की, क्योंकि उसका एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था T20 में। ठीक है, कहीं इंग्लैंड से आया, इंग्लैंड में उसने बहुत अच्छा खेला था, और वहाँ की गवर्नमेंट ने उसको एक कार गिफ्ट कर दी। कार की वर्थ 5 करोड़ रुपये की थी, तो गवर्नमेंट ने इंडिया में आई इम्पोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी लेवी हुई, कस्टम ड्यूटी लग गई 100%। विराट कोहली ने मना कर दिया लेने से कि 5 करोड़ की कार है, फ्री में आई है भली, क्योंकि कस्टम की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी सामान इंडिया के अंदर आया उस पर कस्टम लगेगा, उससे मतलब नहीं है खरीद के लाया फ्री में आए, फ्री में कोई गाड़ी आई तो भी कस्टम ड्यूटी लग रही है 100%। विराट कोहली ने मना कर दिया, इंडिया की बेइज्जती हुई, बाहर के अखबारों में न्यूज हेडलाइन आ जाएगी विराट कोहली ने कार लेने से मना किया, अब इंडिया के अखबारों में विराट कोहली ने कार लेने से मना किया, फॉरन वाले कंट्री की ऐसा लगेगा कि बेइज्जती हो गई, गिफ्ट रिजेक्ट कर दिया।
इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की इमेज खराब हो रही है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई रियल लाइफ वो नहीं बता रहा। रियल लाइफ में भी अगर होता कि सचिन के बजाय फरारी आई थी तो उस केस में वो ड्यूटी एग्जम्प्ट कर दी थी। तो गवर्नमेंट की इज्जत खराब होती है इससे, इंटरनेशनली या नेशनली। तो क्या होता है, इस पर्टिकुलर केसेस में अपन एग्जम्पशन दे देते हैं, स्पेशल एग्जम्पशन। अब आपने बोला कि सर एग्जम्पशन पब्लिक इंटरेस्ट में होगी तभी दे पाएंगे, क्योंकि लिखा हुआ है, देखो फर्स्ट पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है, एग्जम्पशन कैन बी फ्रॉम होल और पार्ट ऑफ टैक्स, इट शुड बी ग्रांटेड इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो अब इसमें विराट कोहली को कार फ्री में, मतलब उस पर ड्यूटी नहीं लगाएंगे, फ्री में आई, तो उस पर पब्लिक इंटरेस्ट क्या हुआ? पब्लिक इंटरेस्ट यही हुआ कि इंडिया की इमेज खराब ना हो जाए, ये पब्लिक इंटरेस्ट ही है। एग्जाम्पल बता रहा था, स्पेशल एग्जम्पशन और जनरल एग्जम्पशन, इसके बारे में बताया, कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मेरे को बताना था क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ। अब आगे आ जाऊँ, देखो गवर्नमेंट जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन से स्पेशल ऑर्डर निकाल के जो पब्लिक के जनरल इंटरेस्ट में हो तो एग्जम्पशन ला सकती है, जो नहीं ला सकती है। एक बार मुझे कोई भी लिख दो, धैर्य अगर हो तो आप लिख दो एक बार, हेलो हाय कुछ भी लिख दो। आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर देखो एक नोटिफिकेशन ये है कि अगर कोई एग्जम्पशन रेट्रोस्पेक्टिव डेट से लानी हो, मतलब तो पुरानी डेट से लानी हो, तो वो 1 साल, मतलब मान लो कोई 1 साल पहले कोई एंट्री आई थी, तो उसकी मैं आज एग्जम्पशन मतलब फ्यूचर डेट से क्रिएट कर सकता हूँ, समझ रहे हो? पर 1 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है एग्जम्पशन इंसर्टेड विद इन 1 ईयर फॉर द पर्पज ऑफ क्लैरिफाइंग द स्कोप और एप्लीकेबिलिटी ऑफ एनी नोटिफिकेशन टू हैव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वेयर द गवर्नमेंट फील्स दैट देयर इज नीड टू क्लैरिफाई द स्कोप और एप्लीकेबिलिटी ऑफ एनी नोटिफिकेशन अंडर द सेक्शन, इट कैन इशू एन एक्सप्लेनेशन विद इन 1 ईयर ऑफ इशू, मतलब 1 साल के अंदर कर सकती है। तो समझ रहे हो, 1 साल से पुरानी, 1 साल पुरानी एंट्री होगी ना, तो उस पर पुरानी डेट, बैक डेट से भी आज की डेट में एग्जम्पशन दी जा सकती है, पर 1 साल से पुरानी की नहीं होनी चाहिए। अब इसमें लिखा हुआ है इट इज हियर बाय क्लैरिफाई दैट 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 एक्सप्लेनेशन सो इंसर्टेड। अब केस ये हुआ था, इसको लिखने की कोई जरूरत भी नहीं थी, लेकिन मैं बताता हूँ क्या क्या कहानी है। सपोज करो अभी चल रहा है, जैसे आज 19 में है, अब कोई एंट्री आई 11 मई से, मैंने बोल दिया कि आज मैं गवर्नमेंट हूँ, मैंने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया कि ये जो एंट्री आई थी ना ये एग्जम्प्ट हो गई, तो वो 11 मई से एग्जम्प्ट हो गई, मतलब अब उसमें 1 साल वाला केस नहीं लगेगा क्योंकि वो आई 11 मई को है, तो ये कह रहा है कि जब से आई है ना उसी डेट से वो एप्लीकेबल होगा। तो ऑब्वियसली बात है, जब थी नहीं तो फिर एप्लीकेबल कहाँ से होगा। और ये मान लो सेप्टेम्बर में भी आ गई होती तो भी अभी 1 साल कम्प्लीट नहीं हुआ, यही मान लो पिछले साल मार्च में आ जाती तो नहीं कर सकते क्योंकि वो 1 साल से ज़्यादा हो गया। समझ में आ रहा है, ये भी कोई ज़्यादा काम की चीज़ है नहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन लिखी हुई है तो मैं बता देता हूँ और मैं अपने नोट्स में भी कवर कर लूँगा। अब एग्जामिशन जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं इसको एकदम ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि अगर इसको गलती से भी इज्जत नहीं दी ना तो मान के चल लेना एग्जाम में बैंड बच जानी है, क्योंकि जितने भी 14 मार्क्स के क्वेश्चन वैल्यूएशन कहीं पर भी चैप्टर उठाओगे ना वो एग्जाम चीज़ों में पूछ लेंगे, रैंकिंग ऑफ रेजिडेंशियल जूली, इतनी सारी भरी हुई है एग्जामिशन, 95 एंट्री के आसपास एग्जामिशन है। अब कोई सारी मैं याद नहीं कराऊंगा कि एंट्री 1 एंट्री 2 एंट्री 3 एंट्री 4 ऐसे नहीं, हम पढ़ेंगे सर एक बार रीड कराएंगे, मैं आपको शॉर्ट वेज बताऊंगा कि एग्जामिशन कैसे पढ़नी है, एग्जामिशन बिखरी बिखरी जगह पे है, ये बता दूंगा कि सारी एग्जामिशन जैसे हेल्थ केयर की सारी एग्जामिशन एक जगह समेट लिया अपन ने, ठीक है? तो टारगेट यही होगा और कोशिश करेंगे कि 3 से 4 घंटे में, आज तो जैसे 1.5 घंटे क्लास लूंगा मैं, तो एग्जामिशन जितनी हो जाए ठीक है, फिर एंड में सब सप्लाई के क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि सप्लाई मेरे ख्याल सबको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी एक बार अगर 5 मिनट का रिवीजन कर लेंगे ना तो वो जो कल पढ़ा है ना वो कल जैसे मान लो 90% 85% बैठा होगा तो अब 95 और 99% बैठ गया होगा। काफी सारे बच्चों ने ग्रुप पे डाउट भी पूछे टेलीग्राम चैनल पे, मैंने सॉल्व कर दिए, और भी कोई डाउट होते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, उसमें आपको सारे जितने भी डाउट होंगे ना वो या तो खुद बच्चे आपस में बता देंगे या फिर मैं बता दूंगा, ठीक है? अब आगे शुरू करते हैं। ये तो गुड्स कौन कौन से एग्जेम्प्ट हैं, सारा जो अपन चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो सर्विसेज के ऊपर ही है। ये तो गुड्स, तो देखो ऐसे गुड्स हैं फर्जी से, आटा मैदा बेसन मिल्क दही है ना, ये कोई काम के नहीं है। आगे आ जाओ आप, वो ये फोटो बन रही ना देख लो, ये मैं अपने नोट्स में बना दूंगा, ये है ना ये सब चीज़ें, ये एग्जेम्प्ट। अब आगे आ जाओ, लिस्ट ऑफ सर्विसेज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, मतलब कौन कौन सी सर्विसेज टैक्स एग्जेम्प्ट हैं वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है? चैरिटेबल ट्रस्ट, ठीक है? ये अब इसके अंदर कंडीशन ये है, एकदम ध्यान से देखना, अगर आप ये मान के चलो कि अगले 1.5 घंटे देख रहे हो ना, सर
सबसे ज्यादा बच्चे जो एग्जाम अभी तो तुम्हें कोई लग रहा होगा कोई दिक्कत नहीं, एग्जामिशन पढ़ लेंगे छोड़, बोरिंग टॉपिक के बाद में पढ़ेंगे, कोई बोरिंग नहीं है। पहली बात तो जितने लेक्चर मेरे से देखे होंगे बोरिंग लगे भी नहीं होंगे। एग्जामिशन को छोड़ गए ना, तो एग्जाम से एक दिन पहले सबसे ज्यादा टेंशन होता है ना वो इसी चैप्टर का होता है, एग्जामिशन बचा हुआ है, तुम्हें पता है कि एग्जामिशन कितना टाइम लेने वाला है। तो अगर वो गलती से रह भी जाए ना, तो एक बार चीजें पढ़ी हुई है तो दिमाग में बैठ जाएगी। तो अभी तक आज आज कम बच्चे लाइव हैं, 40 बच्चे लाइव हैं, तो अपने एक बार फ्रेंड्स वगैरह को बता दो और फटाफट फटाफट आ जाओ, क्योंकि फिर जो चीज़ें रह जाती है ना अभी लाइव में, तो रियल टाइम में डाउट भी सॉल्व हो जाएंगे, फिर सॉल्व भी नहीं होंगे। पहली बात तो चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन आएंगे, जो इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन 12AA है, जो ट्रस्ट वाला चैप्टर पर्सनैलिटी ABC एनालिसिस में बता रहा था ना कि ये पढ़ जाना 10 नंबर का पक्का आता है, तो उसके अंदर जो भी रजिस्टर्ड है ना सेक्शन 12AA के अंदर, वो उनको ट्रस्ट माना जाएगा। जो ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर रजिस्टर्ड है उन्हीं को ट्रस्ट माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। अब सवाल ये आता है कि सर जितनी भी सारी चैरिटेबल ट्रस्ट हैं उन सबको क्या हर एक्टिविटीज पे एग्जम्पशन मिल जाएगी क्या? नहीं, नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। चैरिटेबल ट्रस्ट तो ऐसे कुछ भी एक्टिविटी करेगी तो एग्जम्पशन थोड़ी दे देंगे, कुछ लिस्टेड एग्जम्पशन दे रखी है जिसके अंदर उन्हीं पे एग्जम्पशन मिलेगी चैरिटेबल ट्रस्ट को भी। अब सर वो क्या क्या है वो मैं बताता हूँ। कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी, अब रिलीजियस सेरेमनी का मतलब क्या होता है, जैसे रिलीजियस सेरेमनी के अंदर बर्थ डेथ मैरिज और कोई पूजा हवन ववन हुआ ना, तो वो सब रिलीजियस सेरेमनी के अंदर आ गए, मतलब एक तरीके से पूजा ही हो गई, तो वो अगर इस तरह की सर्विसेज हैं तो एग्जम्प्ट हो जाएंगी। कोई रेंटिंग ऑफ प्रेजेंट ऑफ रिलीजियस प्लेस सेक्शन 12AA एकदम, अब इसके अंदर नीचे पढ़ लो आप मेन चीज काम की, ये सेक्शन बी पॉइंट के अंदर रेंटिंग ऑफ रूम वेयर चार्जेस आर 1000 rupees और मोर पर डे। जैसे मान लो आप कोई होते ना वो आश्रम वाश्रम जैसे अपन जाते हैं, कोई भक्तजन वाली प्लेस है और अपन वहाँ पे गए और वहाँ पे अपन ने रूम लिया, तो अगर चार्जेस 1000 या उससे ज़्यादा है ना तो एग्जाम नहीं होंगे। अगर अब ये चीज़ याद रखने की क्या है, अगर 1000 भी हुए, अब इसको लिख लो कहीं, अब एग्जाम में पूछेगा कि कहीं अपन गए जैसे रिलीजियस सेरेमनी या किसी रिलीजियस प्लेस पे गए अपन, ठीक है, रिलीजियस प्लेस पे गए 1000 rupees का रूम लिया। अब बच्चे जो गलती करके आते हैं 1000 rupees का रूम लिया एग्जाम पर, 1000 या उससे ज़्यादा टैक्सेबल है, इसका मतलब 999 तक एग्जाम है उसके बाद का टैक्सेबल। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस, जैसे होते हैं ना एक कम्युनिटी हॉल्स वगैरह रेंट पे दे दिए, तो 10000 rupees या उससे ज्यादा के हैं, 10000 rupees या उससे ज्यादा का, ये एक दिन का है पर डे और पर डे। अब लॉजिक सी बात है, इसमें रटने की बात नहीं है, आप कहीं जाते हो किसी जगह पे और एक दिन के लिए रूम ले रहे हो, तो वो रूम महीने वाइज काउंट नहीं होता, डे वाइज काउंट होता है। लेकिन अगर अपने शॉप्स रेंट पे ली, जैसे होता है ना कि इस रिलीजियस प्लेस के बाहर शॉप्स वगैरह होती हैं, इनके खुद की शॉप्स होती हैं, तो रेंट पे ली तो 10000 या उससे ज़्यादा का रेंट है पर मंथ। अब शॉप का रेंट महीने में काउंट होता है, लेकिन रूम्स और प्रमाइसिस का रेंट पर डे के हिसाब से काउंट होता है। तो कम्युनिटी हॉल, कल्याणम जी, यू साउथ के टर्म है जिसपे शादी वगैरह कराते हैं ना, कल्याण मंडपम, ठीक है, तो वो अगर 10000 या उससे ज़्यादा का रेंट है पर डे का, 10000 है तो भी टैक्सेबल है। अगर 9999 तो एग्जेम्प्ट है वरना टैक्सेबल हो जाएगा। इसको याद रख लेना, अगर इस चैप्टर को इज्जत नहीं दी ना तो DT में बहुत बड़ी, IDT में बहुत बड़ी गलती हो जाएगी आपके साथ। आगे बढ़ते हैं, ये सबके मैं नोट देने वाला हूँ, टेंशन की कोई बात नहीं है। अब देखो इसके अंदर क्या है, बिफोर लेटर अंडरस्टैंडिंग मीनिंग ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज, चैरिटेबल एक्टिविटीज क्या क्या होती है, जैसे देखो पब्लिक हेल्थ बाय वे ऑफ केयर, ये सब अपन योगा वगैरह करवा रहे हैं, एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन योगा। अब सपोज करो, अब एक एग्जांपल पूछता हूँ आपसे, आप बाबा रामदेव का योगा का हरिद्वार में बहुत बड़ा आश्रम है, आप उसमें गए योगा सीखने गए, तो वो एग्जम्प्ट है, क्योंकि चैरिटेबल एक्टिविटीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, अगर कोई हेल्थ वेल्थ की चीज़ें सही होती है ना, हेल्थ कोई ट्रस्ट वगैरह है जो ये सब चीज़ें करती हैं, जो लोग नशे के एडिक्टेड हैं उनका नशा छुड़वाना, पर्सन अफेक्टेड विद HIV एड्स वगैरह, या दिमाग से जिनकी हालत ख़राब है, इसी तरह की चीज़ें सही होती हैं वैसे भी वहाँ पे, तो जिनका दिमाग से ख़राब है, जिनके दिमाग से हालत ख़राब है, या जिनको नशे होते ना कि नशा छुड़वाइए, पर वो ट्रस्ट होना चाहिए, ऐरा गैरा बाबा को ही नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो वो एग्जम्प्ट हो जाएंगी। और HIV एड्स किसी के कुछ हो गया तो वो भी एग्जम्प्ट हो जाएगी, ठीक है, योगा वगैरह की एक्टिविटीज एग्जम्प्ट हैं। अब नीचे आते हैं, अब देखो एक बात, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे आंसर देना क्योंकि आज बच्चों से इंटरेक्शन नहीं हो रहा है।
आप सपोज करो बाबा रामदेव के आश्रम में गए योगा सीखने, और आपने वहाँ पे रुके भी, खाना भी खाया, रेंट रूम भी लिया आपने, ठीक है, तो सब कुछ लिया आपने, मान लो रूम का रेंट भी 1,000 से ज़्यादा का था, तो अब ये टैक्सेबल होगा एग्जम्प्ट होगा? मुझे लिख के बता दो पहले एक बार फटाफट, जल्दी से लिख के बता दो, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। लिख के बता दो फटाफट फटाफट फटाफट। कोई है भी कि नहीं है आज एग्जम्प्ट टैक्सेबल सर? अरे यार तुम्हारी लाइव चैट मुझे दिख नहीं रही थी, अब दिख रही है मुझे, सॉरी 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 सॉरी। एग्जाम टैक्सेबल टैक्सेबल, देखो मैं बताता हूँ, टैक्सेबल एज रेंट एक्सीड नहीं। यार कल ही तो मैंने पढ़ाया था, तुम बेइज्जती कर रहे हो मेरी। मैंने कंपोजिट और मिक्स अप्लाई पढ़ाया था ना, कंपोजिट और मिक्स अप्लाई के अंदर क्या लिखा हुआ था कि अगर 2 से 2 ज़्यादा सर्विस जो बंडल है, अगर तुम रहने गए तो वहाँ पर रूम भी लेना पड़ेगा, लेकिन मेन पर्पज़ क्या है? योगा सीखना, ठीक है। तो ऐसे अपन करने गए तो मेन एक्टिविटी तो योगा है ना उस केस में, तो एग्जाम हो जाएगा। अगर सिंपल रूम लेने गए, या सपोज करो मैं हरिद्वार घूमने गया और मैं बाबा रामदेव के आश्रम में रुक गया और मैंने वहाँ पे रूम ले लिया और खाना खा रहा हूँ, योगा योगा मेरा मेन पर्पज नहीं है, योगा नहीं सीख रहा, तो टैक्सेबल होगा वरना एग्जाम हो जाएगा। और क्वेश्चन में पता है क्या पूछते हैं कि रेंटिंग ऑफ रूम इस तरीके से आ जाए ना, वैसे जो कंपोजिट और मिक्स सप्लाई वाला केस तो आप समझ गए, अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाए कि पूरी बंडल सर्विसेज ली आप यहाँ पे गए, आप रुके भी, आपने स्टे भी किया, आपने खाना भी खाया, आपने योगा भी, तो कंपोजिट सप्लाई में आ जाएगा। सेक्शन 8 सेक्शन याद नहीं करने, जस्ट रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। और अगर आप सिर्फ गए और रुके, और खाली अगर ऐसा लिखा जाए रेंटिंग ऑफ रूम 1,000 रुपये, तो टैक्सेबल करना है, दिमाग में लगाना, 999 या उससे कम तो एग्जाम करना है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? रिपीट द क्वेश्चन सर। सर चैरिटेबल एक्टिविटीज़ हैं एग्जाम्प्ट, हाँ चैरिटेबल एक्टिविटीज़ एग्जाम्प्ट हैं। चैरिटेबल एक्टिविटीज़ के अंदर क्या क्या आएंगी? मैंने बताया था कि नशा छुड़वाना और ये तीन चीज़ें दे रखी थी ना, HIV और नशा वगैरह, इस तरह की चीज़ें, पब्लिक हेल्थ वाली, और योगा वगैरह सिखाना, ये सब चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में आएगा। अगर देखो कंपोजिट और मिक्स सप्लाई वाला केस याद नहीं आया कि मैंने ये बोला कि मैं बाबा रामदेव के आश्रम में गया, मतलब बाबा रामदेव के आश्रम में गया और मैंने वहाँ पे योगा सीखा। अब योगा चैरिटेबल एक्टिविटीज़ है जो कि एग्जम्प्ट है, समझ में आ रहा है? पर मैं वहाँ पे रुका भी, खाना भी खाया, लेकिन मेन पर्पज़ प्रिंसिपल सप्लाई, तो इसमें क्या है? प्रिंसिपल सप्लाई तो रहना हो गया ना, अब तो वो एग्जम्प्ट हो जाएगी वरना टैक्सेबल हो जाएगी। नेचर ऑफ देखो ना सर्विस का, ये थोड़ी है कि मिक्स सप्लाई तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ये थोड़ी है कि बाबा रामदेव अलग से रुकने के लिए दे रहा हूँ कि भाई रुक भी सकते, होटल खोल रखा उसने, होटल खोल रखा है तो बात अलग है। संदीप छावरा सर प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। संदीप टैक्सेबल, कोई टैक्सेबल नहीं होगा, एग्जाम तो जाएगा। सर बोल रहे हैं अगर पढ़ाया था फिर भी गलत आंसर दे रहे हो तो गजब बेइज्जती है। हाँ बिल्कुल गजब बेइज्जती है। पर यह है कि अगर मैं हरिद्वार घूमने गया और मैं ऐसे ही बाबा रामदेव के हरिद्वार में बहुत बड़े बने हुए आश्रम में रुक गया, फिर मैं रूम रेंट लेके रह रहा हूँ, तो टैक्सेबल होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या है, मैं बताता हूँ आपको। एक पॉइंट ये भी था कि अगर सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रेनिंग और कोच, आर्ट एंड कल्चर, इस तरह की एक्टिविटीज हैं, ये भी एग्जेम्प्ट हैं, लेकिन सर्विसेज बाय वे ऑफ स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन, इन सारे की नोट दूंगा, टेंशन मत लो। पिलग्रिमेज वगैरह जैसे बोलते हैं ना, वो तीर्थ यात्रा करा दी, हज की यात्रा, कैलाश पर्वत की यात्रा, तो वो भी रिलीजियस एक्टिविटी में मानेंगे। रिलीजियस एक्टिविटी को एक बार कंक्लूड करते हैं, कुछ रिलीजियस एक्टिविटी उन्होंने पीछे भी दे रखी हैं, उनको भी आगे मैं बता दूंगा। देखो क्या कौन कौन सी रिलीजियस एक्टिविटी हुई, पहली बात तो रिलीजियस एक्टिविटी उसी ऑर्गेनाइजेशन को मानेंगे जो सेक्शन 12AA में आती है, वरना रिलीजियस उसको रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन मानेंगे नहीं, ठीक है। अब ट्रस्ट वगैरह मानेंगे नहीं अगर 12AA में रजिस्टर्ड नहीं है तो। वो अब 12AA में रजिस्टर्ड है तो क्या उसकी सारी एक्टिविटीज एग्जम्प्ट हो जाएंगी? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। कुछ कुछ एक्टिविटीज हैं, कुछ कुछ एक्टिविटीज क्या होंगी, जैसे सपोज
उसने कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी कराई या फिर उसने एक आश्रम खोल रखा है जिसमें वो सारी चीजें कराता है, जिसमें योगा सिखाता है, ये सब करता है, और उसमें रूम रेंट दे रहे हैं, अगर 1000 या उससे ज्यादा का रूम रेंट है तो टैक्सेबल होगा, 10000 या उससे ज्यादा पर डे है, और ये लिमिट रेंटिंग ऑफ शॉप पर मंथ है, ये चीज याद में रख लेना, और लॉजिकली बात है पर मंथ और पर उसमें तो बहुत फर्क आ जाता है, ठहरे हाँ हो जाएगी ठीक है, पर मंथ मतलब शॉप तो पर मंथ की होगी ना, और रूम अपन जो लेते हैं वो पर डे के हिसाब से होता है, तीर्थ यात्रा का वगैरह करने गए तो वो भी चैरिटेबल एक्टिविटीज में आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, ये चैरिटेबल ट्रस्ट की एग्जम्पशन मेरे ख्याल से लगभग खत्म हो गई। इसमें एक चीज और है वो थी ना, देखो एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम, इन लोगों के लिए एजुकेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम रखा है, जो अनाथ बच्चे होते हैं, होमलेस बच्चे होते हैं, या फिर फिजिकली और मेंटली अब्यूज होते हैं, या प्रिजनर्स होते हैं, या जो 65 इयर्स के ऊपर के एज के होते हैं लेकिन रूरल एरिया में रहते हैं। सारी सारी क्लासेस यूट्यूब पे होगी, नहीं कुछ ऐप पे भी होगी, वो भी फ्री में होगी ठीक है। अब एडवांसमेंट, अब देखो चैरिटेबल एक्टिविटीज के अंदर चार एक्टिविटीज आ गई, बिल्कुल ध्यान से देखो बता रहा हूँ, पक्का पक्का क्वेश्चन मिलेगा, पक्का पक्का क्वेश्चन। चैरिटेबल के अंदर चार एक्टिविटीज आ गई, पहली एक्टिविटीज पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ के अंदर तीन चीजें आ गई, याद नहीं करनी, नशे से मुक्त कराओ, इस तरह की कोई बीमारी हुई है जो सेकंड पॉइंट में है, और पहला पॉइंट जिसका दिमागी हालत खराब, इस तरह की एक्टिविटीज अगर सही करा रहे हो वहाँ पे, एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन मतलब योगा वगैरह कुछ सिखा रहे हो, तीसरा इन लोगों के लिए एजुकेशनल या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहे हो जो कि अनाथ और गरीब और एब्डोमेन बच्चे जो होते हैं, या फिर फिजिकली और हसे मत यतीन कल वाली मोनिका देहरे नाम को गंदी उल्टी बातें करते हैं, प्रिजनर्स या फिर जो फिजिकली और मेंटली अब्यूज होते हैं, या फिर 65 से ऊपर के लोग जो गांव में रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं, गांव में रहते हैं। इतना इनडेप्थ क्वेश्चन आता नहीं है लेकिन पढ़ लो, क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको लगेगा कि हर सर पढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, एनवायरमेंट को प्रिजर्व किया। अब आगे बढ़ते हैं, देखो अब आगे एक एक केस लॉ था, इसमें क्लैरिफिकेशन था डिपार्टमेंट का, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें ये था, सपोज करो मुझे आंसर देके बताना, मैंने कोई चीज़ें दान दी, ऐसा होता है ना वो मंदिरों में बेंचें लगी रहती हैं, हॉस्पिटलों में बेंचें लगी रहती हैं, उस पर लिखा होता है कि इसकी याद में इन द मेमोरी ऑफ दिस टेबल इज डोनेटेड और दिस फैन इज डोनेटेड, जिस तरह की चीज़ें होती है, उस पर सिर्फ मेरा नाम लिखा हुआ है, मैंने दे दिया कि ये अक्षांश गर्ग ने गिफ्ट किया है इस ओकेजन पे ठीक है, और मेरा नाम लिखा हुआ है, लेकिन तो वो चैरिटेबल ट्रस्ट में आएगी नहीं आएगी, मतलब GST में एग्जम्प्ट होगी या नहीं होगी, क्योंकि चैरिटेबल ट्रस्ट की एक्टिविटीज एग्जम्प्ट है, तो अब इसको चैरिटेबल ट्रस्ट में मानेंगे या नहीं मानेंगे, और मानेंगे तो एग्जम्प्ट होगी या नहीं होगी, मुझे बताओ जल्दी से बताओ, एग्जम्प्ट होगी डॉली, बिल्कुल सही बात है डॉली एग्जम्प्ट होगी। देखो मैंने एक एग्जाम्पल बताया था जब कंसिडरेशन की डेफिनेशन पढ़ा रहा था, कि अगर मैंने किसी को दान दिया और ये बोल दिया कि मेरी कोचिंग का बैनर अपने दुकान के बाहर लगा ले, तो वो कंसिडरेशन मानेंगे, तब एग्जम्प्ट नहीं होगा, लेकिन यहाँ सिर्फ मैं ऐसे नहीं लिखवा रहा कि किसने दिया, गिफ्टेड बाय अक्षांश गर्ग टीचिंग एन अकेडमी फॉर अन अकेडमी, ज्वाइन कोड AKG10, यूज दिस प्लीज ज्वाइन, कॉन्टैक्ट नंबर दिस, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ ना तो एग्जाम नहीं होगी, लेकिन मैं सिर्फ अपना नाम लिख रहा हूँ, क्योंकि डिपार्टमेंट के सामने ये केस हुआ था, ये बता दिया किसने अपना नाम लिख दिया कि भोले लाल जी ने ये दिया और ये इसलिए दिया, इस तरह के नाम लिखे होते हैं वहाँ पे, तो वो डिपार्टमेंट ने बोला कि सिर्फ नाम ही तो लिखा है, नाम से थोड़ी पता चल रहा है कि इसका बिजनेस है या नहीं है, तो एग्जाम मान लिया, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा ये। देखो मैं आपको किताब नहीं पढ़ा रहा, जो एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो आने की पॉसिबिलिटीज है, वो सब पढ़ा रहा हूँ। अब अपन ने ये पढ़ ही लिया, जो मैंने ऊपर ज्ञान दिया था वही नीचे लिख रखा है, हॉस्टल अकोमोडेशन बाय ट्रस्ट, हाउएवर हॉस्टल अकोमोडेशन इंक्लूडिंग सब सर्विस प्रोवाइडर अप टू 1000 पर डे, ये बाद में पढ़ेंगे हॉस्टल वाले, अभी दूसरा मैं बताता हूँ आपको। इसके अंदर एक पेज नंबर मैंने लिख रखा है यार, पेज नंबर 4.40, इसको सब जगह एक जगह समराइज करके दे दूंगा मैं, अभी बिखरा बिखरा सा है। अब 4.40 पे एक ट्रस्ट की एक्टिविटी यहाँ पे आ गई, 4.40 पे एंट्री नंबर 90 पढ़ो, पर एंट्री नंबर 90, गुड इवनिंग IDT मास्टर, हाँ क्या नाम है, एंट्री नंबर 90 पढ़ो, सर्विसेज बाय ओल्ड एज होम, ये भी देखो सेक्शन 12 AA, अब इसको उधर ही लिख देते तो बेटर रहता, अब इन्होंने लिख दिया इधर, तो ऐसे ना बच्चा कंफ्यूज हो जाता है फिर, अब ट्रस्ट ट्रस्ट की एक जगह लिख देते हैं अपन,
अब सर्विसेज में ओल्ड एज होम मतलब वृद्ध आश्रम वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं पुराने बूढ़े लोगों को। तो अब बूढ़े लोग कौन होंगे जो 60 साल या उससे ऊपर होंगे। अगेंस्ट कंसिडरेशन अप टू 25,000 पर मंथ पर मेंबर। अब उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, रहना खाना, जो कई लोग होते हैं जिनके वो बच्चे बच्चे छोड़ जाते हैं तो वो बोलते हैं कि लो पैसे लो और पिताजी को रखो, इस तरह के लोग भी होते हैं। तो सरकार को ऐसे प्रोविजन बनाने पड़ते हैं सोच के। तो वो कह रहे हैं अगेंस्ट कंसिडरेशन ऑफ 25,000 पर मंथ, मीन्स अगर 25,000 से 1 रुपया भी ज्यादा हुआ ना तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा वन एग्जाम। ये पता है ये गलती बहुत बहुत ज्यादा करते हैं अपन। ये एग्जम्पशन लिमिट है 25,000 तक अगर हुआ तो पूरा एग्जम्प्ट है, 25,000 हुआ तो भी एग्जम्प्ट है, अप टू 25,000, पर 25,000 से 1 रुपया भी ज्यादा हुआ तो टैक्सेबल हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, सर ये सब याद कैसे रहेंगी? 25,000 मोर एंड रूरल एरिया एन एग्जाम, देखो याद तो ऐसा है 2-3 बार पढ़ेंगे ना इनको तो 80-70% एग्जम्पशन तो मैं ऐसी है जो आपको लॉजिक के साथ बता दूंगा कि देखो ये तो लॉजिक है तो एग्जम्प्ट है तो इसको पढ़ना ही नहीं है, याद ही नहीं करना। कुछ ऐसी एग्जम्पशन हैं जैसे अब ओल्ड एज का आपको पता ही है, लॉजिकल सी बात है, सरकार ऐसी चीजों को जो जनता के वेलफेयर में होगी ना उसको सरकार एग्जेम्प्ट करेगी। अब ओल्ड एज का आपको पता है कि बूढ़े लोग हैं, उसको याद करने का तरीका बताता हूँ। बूढ़े लोग 60 साल से ऊपर के होते हैं तो ये याद करना ही नहीं, अगर एग्जाम में लिखा जाए 55 साल का तो बूढ़ा हुआ ही नहीं। 60 साल आपको पता है, 60 साल से ऊपर सीनियर सिटीजन मानते हैं अपने, 60 साल से ऊपर के हो गए तो उस पर लगेगा, अभी तो याद करना ही नहीं। अभी मान के चलो कि एक आदमी के रहने खाने के खर्चा कितना मानते हो आप, 25,000 रुपये मान लेते हैं, सरकार ने बोल दिया कि चलो 25,000 रुपये खर्च कर दोगे तुम, इससे ज्यादा क्या खर्च करोगे? तो 25,000 तक एग्जम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्सेबल है। 25,000 बिल्कुल रीजनेबल अमाउंट दिया है सरकार ने, मेरे ख्याल से किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसमें। सर अगर 55 साल वाले हैं तो ओल्ड एज होम में तो टैक्सेबल है पूरा, चाहे वो 2 रुपये दें। एक सर्विस तो देखो इन्होंने 4.40 पे ले ली, शुरू अपन ने किया था 4.4 से, अब एक इन्होंने ले ली 4.91। अब इसलिए मुझे नोट्स बनाने जरूरी हैं, वरना मैं चाहता तो यहीं हाईलाइट करा देता, क्योंकि मैं भी कंटेंट तो यहीं से लूंगा, लेकिन कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा दे रखा है, बिखरा बिखरा था। अब इसलिए इसलिए बच्चों को एग्जामिनेशन में दिक्कत आ जाती है, मैंने छांट रखा है ऐसे। फोर पॉइंट नाइन वन अब एक एग्जामिनेशन इन्होंने यहाँ दी, देखो सर्विस ये पढ़ो, 12 लिखा हुआ है ना ये पढ़ो, सर्विस बाय वे ऑफ कि एंट्री नंबर वगैरह कुछ याद नहीं करना आपको, अगर ये याद कर लिए ना तो दिक्कत हो जाएगी। सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग मतलब खुद रहने के लिए घर दिया तो एग्जाम्पल। अब ये पता है ये जो रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है ना, कि आप जब क्वेश्चन करने बैठोगे ना तो काफी दिख जाएगा ये पॉइंट, तो रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग तो याद हो जाएगी। पर ये है कि अगर मैंने घर के लिए पर्पस से लिया रेंटिंग और रेजिडेंशियल ड्वेलिंग तो एग्जम्प्ट है, अब मैंने ऑफिस बनाने के लिए लिया तो कमर्शियल एक्टिविटी होगी तो टैक्सेबल हो जाएगा। अब इसमें कोई याद करने की चीज़ें क्या, अब अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा, देखो जनरल चीज़ें पढ़ी मैंने, बताया कि बूढ़े लोग अगर ओल्ड एज होम में गए तो वो एग्जम्प्ट होगा, अपन ने बात की सर बूढ़े लोग कौन होते हैं जो 60+ होते हैं, अब आपको पता ही है, याद करना पड़ा कोई याद नहीं करना पड़ा। अब ये मान के चल लेते हैं कि एक बूढ़े का खर्चा, एक बूढ़े अंकल का खर्चा 25,000 तक एग्जेम्प्ट कर रखा है गवर्नमेंट ने, और मान के चलते हैं कि 25,000 में एक आम आदमी का गुजारा हो सकता है पर मंथ, 25,000 पर मंथ है वो, तो वो एग्जेम्प्ट है 25,000 पर मंथ। अगर 1 रुपये भी ज्यादा हुआ तो टैक्सेबल, और एज अगर 59 ईयर की हुई तो भी टैक्सेबल। अभी बोल रहे हैं कि रहने के लिए सरकार देखो किसी को रहने के लिए घर किराए पे देना, अब किराए पे तभी देंगे, वैसे ही वो खुद गरीब होगा तभी तो घर किराए पे लेकर रह रहा है वो, ठीक है। तो सरकार तो वेलफेयर के लिए बनी है इसलिए उसको एग्जम्प्ट कर दिया सरकार ने। कभी कुछ ऐसे ज्यादा समझ में नहीं आया ना ऐसे तो थोड़ा बहुत एस्टिमेशन लगाया भी जा सकता है। अभी बोल रहे हैं कि सर्विसेज बाय वे ऑफ होटल, अगर आपने होटल लिया ये सब लिया अगर आपका रेंट होटल का पर डे का 1,000 रुपये या उससे ज्यादा है, मतलब देखो बिलो और इक्वल टू 1,000 और इक्वलेंट मतलब 1,000 तक है ना, 1,000 रुपये भी है तो भी एग्जेम्प्ट है। अब एक बात याद करूं, मैंने ऊपर जो बताया था ना चैरिटेबल एक्टिविटीज में, उसके अंदर ही था कि अगर आपने बाबा रामदेव के आश्रम में आपने कोई रूम लिया और हरिद्वार घूमने गए और आपने एक रूम लिया तो उस केस में अगर रेंट 1,000 हुआ तो टैक्सेबल है, लेकिन अगर होटल में रेंट 1,000 हुआ तो एग्जेम्प्ट है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, धैर्य धैर्य कोई फर्जी नहीं है, धैर्य मेरा स्टूडेंट है, मुझे बताओ ये समझ में आया नहीं आया, ये चीज याद रखनी है। देखो पिछले साल तक पता क्या होता था, इसमें जो इक्वल टू वर्ड हाईलाइट कर रखा है ना उन्होंने, आप लोगों को दिख रहा है नहीं दिख रहा, जो मैं या और इसको जूम करूँ,
पिछले साल तक जो वर्ड है ना ये और इक्वल टू ये नहीं था। तो पिछले साल तक क्या होता था, अगर 1,000 रुपये भी किराया होता था ना होटल का तो टैक्सेबल हो जाता था, पर आप इक्वल टू डाल दिया तो एग्जम्प्ट हो जाएगा। शिव बुड्ढा है, उसका बेटा जो फिजिकली एंड मेंटली अब्यूज था उसको पुलिस ने जेल में डाल दिया और उसके बच्चे होमलेस हो गए। यार क्या बातें कर रही हो, देखिए क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये बूढ़ा था वो होमलेस हो गया। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? नहीं आया? आप ये चीज़ याद रखनी है, अगर होटल लिख लो भाई, अगर होटल का किराया सपोज करो आप ओयो रूम में गए, ऐसे याद हो जाएगा आपको। आप ओयो रूम में गए और ओयो रूम का अगर रेंट 1,000 रुपये भी है ना, 1,000 रुपये तक है तो उस पर GST लग गया। सप्लाई बाय सर्विसेज बाय होटल इन गेस्ट हाउस क्लब वॉटर काम फॉर रेजिडेंशियल और लॉगिंग पर्पज हैविंग वैल्यू ऑफ सप्लाई, मतलब 1,000 रुपये तक का किराया है ना तो एग्जेम्प्ट है, वरना 1,001 रुपये भी हो गया तो पूरे 1,001 रुपये पे टैक्सेबल लग जाएगा। सर 1,000 है तो भी एग्जेम्प्ट है क्या? बिल्कुल नीतू चौधरी, मैं यही कह रहा हूँ, अगर 1,000 है, मतलब इसमें लिखा हुआ है ना, देखो आप पढ़ो, ऑफ अ यूनिट ऑफ अ यूनिट ऑफ अकोमोडेशन बिलो और इक्वल टू 1,000 पर डे और इक्वलेंट, मतलब 1,000 पर डे या उससे 1,000 पर डे या उससे कम है तो सपोज करो इसके अंदर एक केस आता है, होटल वाले कैसे करके दिखाते हैं मुझे, मैं एक केस देता हूँ, मुझे बताना ये एग्जाम डेट टैक्स। देखो आप तो होटल में गए, होटल में ऐसा लिखा हुआ था, वैसे तो रूम रेंट उसका 2,500 रुपये है, 2,500, लेकिन कोविड चल रहा है अभी, कार्ड के डिस्काउंट कार्ड के ₹999 आपने बहुत बार देखा होगा, सर योगा वाले एग्जाम्पल में योगा प्रिंसिपल एक्टिविटी होगी ना? देखो मैं आपको ऐसे कह रहा हूँ, योगा एग्जाम्प्ट है, और आप सिर्फ अगर क्वेश्चन में दे रखा हो ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, अगर सिर्फ क्वेश्चन में दे रखा हो ना कि रेंटिंग, जो रेंट लिया आपने 1,000 रुपये तक का आपका, उसके अंदर 1,000 रुपये भी हुआ तो भी टैक्सेबल है, अगर 10,000 रुपये भी हुआ आपने कोई कल्याण मतलब आपने शादी के लिए कोई प्लेस ली तो भी टैक्सेबल है, 10,000 ट्रिप 4/9 तक एग्जाम्प्ट है, और 10,000 रुपये तक का रेंट किराया है अगर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर। पर उसमें ये था कि अगर क्वेश्चन में ऐसा दे रखा हो कि आप रुके भी खाना भी खाए तो समझ में आ रहा है ना, वो तो पढ़ने से कि इसमें तो खूब सारी सप्लाईज है, जब ऐसे क्वेश्चन में ऐसे लैंग्वेज लिखे आ जाए ना, आप रुके भी आपने खाना भी खाया, जैसे हॉस्पिटल में गए आप, अब हॉस्पिटल में गए वहां पे आप एडमिट हुए, एडमिट हुए तो आपने खाना भी खाया, दूसरी सर्विसेज भी ली आपने, तो उसमें मेन प्रिंसिपल एक्टिविटी कौन सी हो गई? हॉस्पिटल में आप कोई खाना खाने तो जाओगे नहीं, अब आप ये तो नहीं बोलोगे कि मेरा मन था खाना खाने तो मैं हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता हूँ, तो खाना खाना मेन एक्टिविटी हो गई प्रिंसिपल, यहाँ दो से ज्यादा एक्टिविटीज मर्ज हो जाती है ना, तो प्रिंसिपल एक्टिविटी योगा है तो एग्जाम्प्ट मान लेंगे, कंफ्यूज मत हो, और एग्जाम में सिर्फ इतनी सी लाइन लिखी हो ना तो टैक्सेबल मानेंगे, जैसे वो लाइन लिखी हुई थी ना, देखो एग्जाम में सिर्फ इतनी सी लाइन लिखी हो ना, सिर्फ अगर ये दे रखा हो, मेरा पर्पस है हर बच्चे के सब कुछ समझ में आ जाए, कंफ्यूज ना हो, ये तो मैंने जस्ट एक क्लैरिफिकेशन के लिए बता दिया, मुझे थोड़ी पता था कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, आप भूल जाओ ये सब, कंपोजिट सप्लाई जब क्वेश्चन करेंगे ना तब याद दिला दूंगा। आप तो ये याद रखो कि अगर अगर रेंटिंग ऑफ रूम 1,000 रुपये से ज्यादा है, 1,000 भी है तो भी टैक्सेबल है, लेकिन होटल के केस में मैंने बताया था कि अगर 1,000 है तो एग्जम्प्ट है, लास्ट होटल के केस में भी लास्ट ईयर तक यही होता था, लेकिन इस साल से होटल के केस में अमेंडमेंट ला दिए। अब इस तरीके से याद रखो, संदीप भी मोनिका है, क्या बातें कर रहे हो, अब इस तरीके से याद रखो कि अगर होटल लिया आपने और 1,000 रुपये का रूम है तो एग्जम्प्ट है, याद रख लो, आप अपने दोस्त के साथ होटल में गए और 1,000 रुपये का रूम लिया आपने, वो एग्जम्प्ट है, ठीक है, और बाबा रामदेव वाले एग्जाम्पल में 1,000 रुपये का रूम टैक्सेबल है, समझ में आया या नहीं आया? अब मैंने आपको एक एग्जाम्पल पूछा था, सपोज करो आप अगर सपोज करो होटल लेने गए और उस पर प्राइस थी मान लो 2,500 रुपये और कार्ड के 999 दिखा दी तो टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा ये बताओ मुझे बस, ये सब वो है जो क्लैरिफिकेशन है डिपार्टमेंट के, डिपार्टमेंट के पास ऐसे सवाल गए थे वो बता, वो पूछ रहा हूँ आपसे,
सर रेस्टोरेंट के लिए भी एग्जम्पशन एग्जम्प्ट होगा बिल्कुल डॉली बिल्कुल, आप अच्छे से पढ़ रहे हो डॉली, गुड। उससे मतलब नहीं है अपन को कि अपन को कितने, अपन को उससे मतलब है कितने में रूम मिला, रूम की एक्चुअल प्राइस तो 10,000 दिखा दो, 20,000 दिखा दो, 2 लाख दिखा दो, उससे कोई मतलब नहीं है। रिलीजियस जितनी भी एक्टिविटी थी ना पूरे जीएसटी चैप्टर में, एग्जम्पशन चैप्टर में, अब मैंने इसमें ढूंढा, मैं जब रिलीजियस एक्टिविटी पढ़ रहा था मैंने देखा यार शुरू में भी है, फिर 4.4 पे भी है, अब नोट्स बना रहा था तो एक जगह लिख लिया मैंने, पर नोट पूरे बने नहीं तो इसलिए भी क्लास में दिए नहीं, शाम तक तो दे दूंगा। पर यहाँ से पढ़ाने के लिए मैंने पेज नंबर लिख लिए थे इसलिए मैं बार बार पेजेस पे लेके जा रहा हूँ। बिल 99 का ही बनेगा, नॉट टैक्सेबल, बिल्कुल झूठी। अब आ जाओ ये चैरिटेबल, देखो एग्जम्पशन चैप्टर बहुत भारी लगता है और बहुत बड़ा भी लगता है, मैं आपको बहुत जल्दी खत्म कराने वाला हूँ। एक एक्टिविटी तो हमने खत्म कर ली, रिलीजियस एक्टिविटी, चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटी। चैरिटेबल कौन सी होती है आपको पता ही है, ठीक है, आप उसके अंदर चार चीज़ें हो गई, मैंने आपको बताया था। आखिरी में 1 मिनट का रिविजन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है ना। आज देखो एग्जम्पशन क्यों पढ़ रहे हैं, जीएसटी लेवी हुआ, लेवी होने के बाद एग्जम्प्ट हुआ फिर कलेक्ट हुआ आगे, तो लेवी और एग्जम्प्शन के बीच में जो चीज घुस जाती है ना उसको उसको एग्जम्प्शन बोलते हैं। तो चार चीजें हैं, पब्लिक हेल्थ मतलब आप कोई भी चैरिटेबल एक्टिविटी तब मानी जाएगी जब वो 12EE में रजिस्टर्ड हो पहली बार तो, और दूसरी बात तो वो कौन कौन सी काम कर रही हो, आपने खूब पोस्टर पढ़े होंगे दिमागी हालत सुधरवाई है, वो चैरिटेबल पब्लिक हेल्थ के अंदर काम उसमें आ जाएगी। केयर और काउंसलिंग ऑफ पब्लिक हेल्थ टर्मिनली इल पर्सन और पर्सन विद सीवियर फिजिकली और मेंटली डिसेबिलिटी, ठीक है, किसी पर्सन के एचआईवी एड्स में रखा हो वो, और जिसको शराब से नशे से मुक्त कराना हो ना, इस तरह की चीजें चैरिटेबल एक्टिविटीज अगर कराती है, चैरिटेबल ट्रस्ट अगर कराती है, ठीक है, चैरिटेबल एंटिटी अगर कराती है तो वो एग्जाम मान ली जाएगी। कोई योगा स्पिरिचुअलिटी होते हैं ना, वो आध्यात्मिक ध्यान करा रहा हो, जैसे पहले बाबा आशाराम जी का वो था आश्रम, वो भी स्पिरिचुअलिटी आ गया, वो आध्यात्मिक हो रहा है, हो क्या रहा था वो अलग बात है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड तो आध्यात्मिक चल रहा था ना, तो एग्जम्प्ट हो गया। अब एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम स्किल डेवलपमेंट, इन लोगों को अगर एजुकेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की सर्विसेज दी तो एग्जम्प्ट होगी। कौन कौन से लोग हैं जो तो अनाथ आश्रम में बच्चे रहते हैं, देखो 3 टर्म्स हैं, अब ऐसे कोई याद नहीं करनी है रट के, सिर्फ लॉजिक देखना है आपको, ये चीज याद कर लो आप। फिजिकली और मेंटली अब्यूज लोग, प्रिजनर जो जेल में रहने वाले लोग हैं और जिनकी 65 साल से ज़्यादा उम्र है, वो सिर्फ काम काम की चीज़ें बढ़ा रहा हूँ आपको, 65 साल के लोग जो गांव में रहते हैं। अब एक बार एग्जांपल कर लें, कोई ट्रस्ट है चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंदर 12EE के अंदर रजिस्टर्ड है, ठीक है, अब जो मैंने बताया है ना उससे क्वेश्चन हो जाएगा आपका, हैज़ ऑर्गेनाइज एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम 65 ईयर्स के लोगों से ऊपर के हैं, लेकिन वो अर्बन एरिया में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं, अर्बन एरिया, मैंने बताया था कि रूरल एरिया में रहने वाले लोग होने चाहिए, या तो कैदी होने चाहिए, ठीक है, या 65 ईयर्स के होने चाहिए, लेकिन देखो अब इसका लॉजिक देखो, आप बोले सर अर्बन एरिया क्यों नहीं, अब इसमें देखो हेडिंग देखो क्या लिख रखा है, एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम ऑब्लिक स्किल डेवलपमेंट, मान के चलती सरकार के शहर के लोग तो वैसे ही पढ़े लिखे। अब देखो इनके पास लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी रही होगी, ऑरफंड और होमलेस चिल्ड्रन है, इनको एजुकेशन नहीं मिल पाई होगी, ये हो गए, इनको सरकार ने कोई एडवांस, इनको चैरिटेबल एंटिटी ने कोई एजुकेशनल या स्किल डेवलपमेंट की चीज़ें करी ना, वो एग्जम्प्ट हो गई। फिजिकली और मेंटली अब्यूज, बेचारे इस हालत में है तो उनको इस तरह की हेल्प करी, इनको ज्ञान दिया, उनको सिखाया, तो वो एग्जम्प्ट हो गई। प्रिजनर्स हैं बेचारे, स्कूल वैसे स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि जेल में बंद पड़े हैं ना, या फिर किसी तरह का ज्ञान नहीं है उनको, तो वो एग्जम्प्ट हो गई। दूसरे क्या है जो 65 ईयर के हैं लेकिन गाँव में रहते हैं, तो एग्जम्प्ट हो गए। अब बिल्कुल लॉजिकल चीज़ है, कोई इसमें रटने जैसा नहीं है। अब वो क्वेश्चन अपन कर रहे थे ना, कहाँ गया वो क्वेश्चन, 65 ईयर्स के ऊपर से हैं लेकिन वो शहर में रहते हैं इसलिए एग्जाम नहीं होगी, अगर गांव में रहते तो एग्जाम हो जाती। हॉस्टल अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय ट्रस्ट, अगर कोई ट्रस्ट हॉस्टल की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, देखो ट्रस्ट का जो मेन काम था वो मैंने आपको बता दिया था कि ये चार एक्टिविटीज हैं, अब ट्रस्ट कोई दूसरा काम करेगी इसके अलावा तो टैक्सेबल होगा, जरूरी थोड़ी है 12EE में हर ट्रस्ट जो रजिस्टर्ड हो वही एग्जाम मानी जाएगी, उसकी सारी एक्टिविटीज एग्जाम मानी जाएगी, कुछ एक्टिविटीज थी जो हमने बता दी।
अगर ट्रस्ट हॉस्टल अकोमोडेशन सर्विस करिए, खूब सारे ऐसे ट्रस्ट होते हैं जो बच्चों के लिए हॉस्टल्स खोल के रखते हैं, ठीक है। हॉस्टल अकोमोडेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ट्रस्ट टू स्टूडेंट डू नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज, मैंने आपको पहले बता दिया, क्योंकि सर चार ही तरह की चीज थी जो उसके अंदर कवर कर रही थी। अब इसमें कोई रटना नहीं, शेड्यूल वन के अंदर चार चीजें थी, सिर्फ पढ़ लिया बात खत्म। आपसे पूछने लिखवाने वाली चार चीजें कौन सी होगी, ठीक है। अकोमोडेशन सर्विस, अभी देखो अकोमोडेशन बच्चों को हॉस्टल रुकवाया तो एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो सरकार ने बोला कि जब जब हम हॉस्टल ही 1,000 तक एग्जाम कर रहे थे तो हम ये भी एग्जाम कर देते हैं। हाउएवर अकोमोडेशन सर्विसेज इन हॉस्टल इंक्लूडिंग सच सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ट्रस्ट हैविंग वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ ₹1,000 पर डे इज एग्जम्प्ट। जैसे 1,000 रुपये तक का अगर हॉस्टल था वो भी तो एग्जम्प्ट कर रहे थे, तब तुम ओयो में ही एग्जम्प्ट कर रहे हो तो ये भी एग्जम्प्ट है। अभी ये मत जाना ओयो की सी ओ है वो है, मैं तो सिर्फ हॉस्टल की बात कर रहा हूँ, अभी ये सब बात की बातें बाद में करेंगे। पॉइंट क्या हो, ओनली रूरल वाले एग्जाम्पल। यस अनंता, संदीप को नशे की प्रॉब्लम है तो मैं क्या बोलूँ, अब मेरे ख्याल से पूरा काम खत्म हो गया होगा यहाँ पे, आपका चैरिटेबल ट्रस्ट खत्म हो गया है। अब आप पढ़ोगे ना तो काम हो जाएगा। और भी पढ़ लेते हैं, हॉस्पिटल्स मैनेज बाय चैरिटेबल ट्रस्ट, अगर कोई ट्रस्ट हॉस्पिटल मैनेज करती है, ऐसे इतना कोई काम तो है नहीं बट पढ़ा देता हूँ कि हेल्थ केयर सर्विसेज में आ जाएगा। लाइट ना चली जाए सर, इनको रिपोर्ट करो, इन ब्लॉक करो, काफ़ी लाइट फ्लक्चुएट हो रही है, लाइट जा भी सकती है। मेरी भी आपको फेस पे कुछ लाइटिंग दिख रही होगी, क्योंकि आज ये सब चल रहा है, इन्वर्टर बड़ी मुश्किल से चल रही हैं चीज़ें, साइक्लोन के कारण सब खराब हो रहा है। अब आते हैं अपन हेल्थ केयर सर्विसेज पे आते हैं। पहले तो इस सब मैं बताऊंगा आपको, देखो चैरिटेबल ट्रस्ट अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करता है तो वो तो अपन ने पढ़ ली एग्जम्पशन कौन कौन सी है, लेकिन चैरिटेबल ट्रस्ट को कोई सर्विस प्रोवाइड करता है तो वो टैक्सेबल होंगी। जीएसटी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू चैरिटेबल ट्रस्ट, आप क्वेश्चन में पूछ लें कि चैरिटेबल सर्विसेज को, चैरिटेबल ट्रस्ट को ये सर्विस प्रोवाइड करी, मान लो क्लीनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करी, सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करी, कोई भी सर्विस प्रोवाइड करी, तो चैरिटेबल देख के ऐसे इमोशनल मत हो जाना कि चैरिटेबल है तो एग्जम्प्ट करो। चैरिटेबल में भी सिर्फ चार चीज़ें होंगी जो एग्जम्प्ट होंगी, चैरिटेबल को प्रोवाइड करेंगे तो टैक्सेबल होगी होगी, सर्विसेज प्रोवाइड टू टैक्सेबल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी एक एक चीज़ पढ़ाऊंगा, पहले हेल्थ केयर सर्विसेज पढ़ते हैं। एक भी जब आखिरी में जब मैं आपको इस पे लेके आऊँगा ना, एक 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 भी ऐसी लाइन नहीं होगी जो आपको पता नहीं होगी, सब खत्म हो जाए। अब हेल्थ केयर सर्विस पे आते हैं एक बार, एक बात और बता दूं, कल एक क्लास ऐप पे भी होगी, उसके बारे में बता दूंगा कितने बजे होगी और कैसे ऐप पे जाना है और बोर्ड वोर्ड लगाना है। देखो अब आओ हेल्थ केयर सर्विसेज पे आ जाओ, आओ बहुत लॉजिकल सी बात है, पहले एंट्री नंबर 74 पे आते हैं, ठीक है। इस चैप्टर को पता है अगर लाइटली ले लिए ना, ये हल्के में ले लिए कि यार चलो मन नहीं कर रहा है कुछ हो रहा है, जितनी जल्दी मैं ये करा रहा हूँ ना, मैं इतनी जल्दी ये चैप्टर मेरे को लगता नहीं कि क्यों करा, क्योंकि मैं सिर्फ वही वही चीज़ें करा रहा हूँ, मुझे पता है क्योंकि मैं भी पढ़ चुका, मेरे को भी ऐसा लगता था कि एग्जामिशन तो निकालो ऊपर ऊपर से, फिर एग्जाम से सुबह जो सेंटर के बाहर पढ़ पढ़ के बनने पलट के जाते थे। अब देखो सर्विसेज बाय वे ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिक्स, अभी तीन जो लोग हैं ना, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिक्स, ये तीन लोग हैं ना, उन्हीं के लिए हेल्थ केयर सर्विस है। अगर ये जो तीन लोग हैं ये सर्विस देंगे ना तो एग्जाम्प्ट होगी नहीं होगी। ये शब्द रट लो, तीन शब्द हैं देखो, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, पैरामेडिक्स वो होते हैं मतलब ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होते हैं, जो खुद इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स होते हैं और जो प्रैक्टिस करते हैं ना, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे पूछो। अभी इसके अंदर सेकंड पॉइंट बोल रहा है एम्बुलेंस, मतलब सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट इन एन एम्बुलेंस। अब अपन ने चैरिटेबल ट्रस्ट की एक्टिविटीज पढ़ ली, चैरिटेबल एंटिटीज कौन कौन सी सर्विस जो देगी जो एग्जम्प्ट होगी, अपन ने उसमें पढ़ा था कि वो कोई
ऐसे लोग जिनको स्किल डेवलपमेंट की एक्टिविटीज देगी, जो प्रिजनर्स होंगे या 65 ईयर्स से होंगे, जो ऊपर रूरल एरियाज में रहते हैं, या और भी दो तीन लिस्ट दे रखी थी, इन जो अब फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं या फिर अनाथ बच्चे हैं, उनको देगी तो वो एग्जम्प्ट होगी। ठीक है, योगा या स्पिरिचुअलिटी की जो भी सर्विसेज होंगी तो एग्जम्प्ट होगी। हमने पढ़ लिया था कि अगर इस तरह की जगह पे आप गए, ठीक है, या स्पिरिचुअल जगह या जो होती है ना बड़े बड़े कैंप वो लगते हैं, बड़े बड़े कोई फंक्शन चल रहे हैं, वहाँ पे फंक्शन अटेंड करने के लिए रूम भी चाहिए, रूम में रुके अपन। एग्जाम में सिर्फ इतनी सी लाइन दे रखी है कि रेंटिंग ऑफ रूम या रेंटिंग ऑफ कल्याण मंडपम 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये दे रखा हो तो टैक्सेबल है, क्योंकि इसमें वर्ड लिखा हुआ है कि 10,000 या उससे ज़्यादा पे टैक्स लगेगा, तो 10,000 पे भी टैक्स लगेगा। ठीक है, अपन ने पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़ लिया था कि होटल अगर है, अगर रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है, मतलब अपन रुक रहे हैं, गवर्नमेंट का पर्पज़ क्या है कि तुम घर पर किराए किराए का घर ले रहे हो रहने के लिए, तो उस पर भी GST लेंगे कि वैसे तुम गरीब हो और गरीब करते हैं तुम्हें, तो उस पर GST लेंगे। लेकिन अगर तुम होटल ले रहे हो तो गरीब आदमी 1,000 रुपये तक का होटल लेता है, सरकार मानती है कि भाई होटल लेना सबको मैंडेटरी होता है, इसमें गरीब अमीर कुछ नहीं होता, आप कहीं बाहर गए तो आपको होटल लेना पड़ेगा। अगर आप 1,000 रुपये तक का होटल ले रहे हो तो एग्जम्प्ट है, क्योंकि वो बेसिक चीज़ों में आ जाता है कि भाई ये तो जरूरी जरूरी है। लेकिन अब तुम ले रहे हो मैरियट और ताज होटल ले रहे हो, बड़े बड़े होटल ले रहे हो, तो टैक्सेबल है क्योंकि तुम अमीर हो, टैक्स पे कर सकते हो, दे दो टैक्स। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब हेल्थ केयर सर्विसेज में आ जाते हैं। हेल्थ केयर सर्विस, मैंने बताया कि हेल्थ केयर सर्विसेज अगर ये 3 लोग देंगे, 3 लोग कौन कौन से होंगे, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट, पैरामेडिक्स और ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो ही एग्जेम्प्ट होगा। सेकंड पॉइंट आ जाओ, सर्विसेज प्रोवाइड बाय ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट इन एनी एम्बुलेंस अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन ए अबव, मतलब जो ए के अंदर दे रखी है ना वो तो एग्जेम्प्ट है ही वैसे भी, अगर ये लोग देंगे। सेकंड पॉइंट में दे रखा है कि अगर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी अपनी एम्बुलेंस चलाए तो वो भी एग्जेम्प्ट है। तो देखो ना यार, तुम खुद ही देखो एम्बुलेंस की कितनी इंपॉर्टेंट नीड होती है, अब तुम उसको भी टैक्सेबल कर दोगे। तो बोला कि हेल्थ केयर सर्विसेज वैसे अगर पूरा ट्रीटमेंट होगा, अगर ये 3 लोग देंगे तो एग्जेम्प्ट है। उसके अंदर भी हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट कराना हो, प्लास्टिक सर्जरी करानी हो, तो वो टैक्सेबल है, क्योंकि वो तुम्हें पता है वो तुम्हारे खुद के लिए कर रहे हो तुम, वो लग्जरी में आ जाता है। हर कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं करा था, अगर प्लास्टिक सर्जरी तुमने करानी पड़ गई क्योंकि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि तुम्हारे बॉडी के जो नेचुरल पार्ट्स हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ बोल के, बॉडी के जो नेचुरल पार्ट्स हैं प्राइवेट वाले भी एग्जम्प्ट हैं, एम्बुलेंस के केस में एग्जम्प्ट है। मैं प्राइवेट हॉस्पिटलों की बात नहीं कर रहा। हेल्थ केयर सर्विसेज बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिक्स, तो अगर सिर्फ ये 3 वर्ड दिख जाए एग्जाम में तो एग्जाम कर देना, और यही इन्हीं वर्ड्स में से आता है क्वेश्चन, है ना? ऐसे पूछ लेते हैं हेल्थ केयर सर्विस, अपने आप ही लिख देता है हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड बाय ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो अपन क्वेश्चन करेंगे ना कल तो आपको दिख जाएगा। और अगर एम्बुलेंस की सर्विसेज हैं तो हर किसी के केस में फ्री है वो, ठीक है। अब इस केस में इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं बता देता हूँ, हेल्थ केयर सर्विसेज में जहाँ से क्वेश्चन उठ जाता है, जो कोड ब्लड बैंक की प्रिजर्वेशन ऑफ स्टीम सेल्स है ना, वो हमेशा एग्जम्प्ट है। सीधी सीधी ऐसी लाइन लिखाई लिखी हुई है कहीं पे बीच में, सर्विसेज प्रोवाइड बाय कोल्ड ब्लड बैंक बाय वे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ स्टीम सेल्स और एनी अदर सर्विस इन रिलेशन, मतलब स्टीम सेल्स प्रिजर्व करने के लिए कोल्ड ब्लड बैंक कोई सर्विस दे रहा है या उसकी हेल्प के लिए कोई सर्विस चाहिए तो एग्जम्प्ट हो जाएगी। ये कोल्ड ब्लड बैंक वाला क्वेश्चन है ना, ये काफी बार आता है, इसको एक बार स्टार लगा दो। ठीक है, नीचे आते हैं, डाउट पूछूंगा, ध्यान से देखना ये सब चीजें। अब आपसे पूछेंगे कि सर हेल्थ केयर सर्विसेज तो लिख दी, किस किस तरह की सर्विस देंगे, सर्विस कौन देगा, 3 लोग हैं मैंने बता दिया, कौन कौन सी सर्विस होंगी वो पढ़ते हैं। हेल्थ केयर सर्विसेज मीन्स सर्विस बाय वे ऑफ डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट और केयर। अगर इस चैप्टर को पढ़ लिया ना ढंग से तो मान के चलना 10 नंबर तो पक्के पक्के हो गए तुम्हारे, क्योंकि हर क्वेश्चन के बीच में 2-3 पॉइंट ऐसे होते हैं जो एग्जम्पशन रिलेटेड होते हैं और हमें पता नहीं होता। अब जितने भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एग्जम्पशन है वो मैं आपको मुंह से बोलते चल रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, सर्विसेज बाय मीन्स एनी सर्विस बाय वे ऑफ डायग्नोसिस ट्रीटमेंट और केयर और इलनेस, ये 7 चीज़ें हैं, डायग्नोसिस ट्रीटमेंट और केयर। अब इसका जो निमोनिक्स बना रखा है मैंने वो अभी मुझे याद नहीं आ रहा, मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा निमोनिक इसका क्या है, या आपके पास कोई निमोनिक हो जो ईजी हो वो डाल देना, इससे अपन ये याद कर लेंगे। ज़्यादा निमोनिक यूज़ नहीं करते क्योंकि एग्जाम के आखिर दिन ज़्यादा निमोनिक यूज़ करते हैं तो सारे निमोनिक मिक्स हो जाते हैं और गड़बड़ी हो जाती है बहुत बड़ी। ठीक है, तो अगर ये इस तरह की 7 सर्विसेज है ना, इन एनी रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन, अब आप पूछोगे सर रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या है, डबल आईपैड, हाँ वो तो पुराना हो गया, डबल आईपैड DTC से बुलाया, कुछ नया लाएंगे।
रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या क्या है वो मैं बता देता हूँ। एलोपैथी, योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सिद्धा, यूनानी, ये सरकार ने बना रखी है। और भी कोई गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करे तो वो इसमें मतलब हेल्थ केयर सर्विस के अंदर अगर रिकॉग्नाइज हेल्थ केयर सर्विस है, रिकॉग्नाइज क्या होंगी वो अपने पढ़ लिया। अब आप खुद ही देख रहे हो नेचुरोपैथी, योगा, यूनानी, आयुर्वेद, ये सब चीज़ें रिकॉग्नाइज मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं। तो हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर अब वापस से शुरू करते हैं। हेल्थ केयर सर्विसेज कौन देगा? तीन लोग देंगे, ठीक है। कौन कौन सी सर्विसेज होंगी जो एग्जेम्प्ट होगी? ये सर्विसेज होगी डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, केयर फॉर इलनेस, इंजरी, डिफॉर्मिटी, अबनॉर्मलिटी, प्रेगनेंसी एंड एनी रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इसकी अपन निमोनिक्स अपन उसमें डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पर। इंक्लूडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट टू एंड फ्रॉम अ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट। अब आप मेरे से पूछोगे सर इधर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट वर्ड क्यों लिखा हुआ है? लॉजिकली तो वैसे तो सारे लिखा होना चाहिए था, लेकिन आप ये मान के चलो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज जो इंक्लूड सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पेशेंट टू एंड फ्रॉम, ऐसे याद रखो। तीन लोग सर्विस देंगे, कौन कौन सी सर्विस होगी अपन ने पढ़ ली, सात तरह की सर्विस हुई। अगर लाने और ले जाने की सर्विस होगी वो भी एग्जम्प्ट होगी, जैसे क्या बोलते हैं एम्बुलेंस वाली सर्विस। पर इसके अंदर अब यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि हेयर ट्रांसप्लांट या कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी हुई ना उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, पर इंक्लूड कर लेंगे लेकिन अगर वो किसी कारण से हुई, जैसे मान लो किसी पे एसिड एसिड अटैक हो गया, अब उसको जरूरत है प्लास्टिक सर्जरी की, मतलब जो उसके पहले बॉडी के फंक्शन है ना उनको रिस्टोर करने के लिए अगर ये काम करते हैं अपन। जैसे कोई बच्चा पैदा ही ऐसा हुआ कि उसके कुछ दिक्कत आ गई, तो अब उसके लिए कर रहे हैं, तो वो ये नहीं कि ब्यूटी के लिए कर रहा है कि बच्चा सुंदर दिखे इसलिए कर रहे हैं। वो जरूरी है, किसी का एक्सीडेंट हो गया और कुछ हो गया, मतलब फेस खराब हो गया, तो अब कर रहे हैं तो फिर जरूरी है वो, तो गवर्नमेंट का इंटेंशन समझो आप, ठीक है। तो हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर हमने क्या पढ़ा कि रिकॉग्नाइज हेल्थ केयर होना चाहिए, रिकॉग्नाइज ही होगा आपको एग्जाम में जितने भी देखोगे ना। रिकॉग्नाइज कौन कौन से हैं जो आपको पता है? एलोपैथी पता ही है, जिससे अपन अभी दवाइयाँ लेके आते हैं दुकानों में जा जाके, हॉस्पिटलों में दिखाते हैं वो एलोपैथी होता है, फोर्टिस वोर्टिस में जाते हैं वो एलोपैथी। योगा, योगा से भी उपचार करते हैं, मोदी जी योगा के फैन है, वैसे एग्जाम कर रखा है। नेचुरोपैथी, नेचुरल तरीके से चीज़ें होती है ना वो, कि ये पॉइंट दबाओ पैर का, ये पॉइंट दबाओ, ये सब चीज़ें होती हैं। आयुर्वेदा आपको पता ही है, वो जड़ी बूटी, पेड़ पत्ते, पौधे, वो आयुर्वेद हो जाते हैं। होम्योपैथी, वो दो गोलियां लो और सही हो जाओ, जिससे सही होते तो नहीं है पर हो भी जाते हैं तो होम्योपैथी। सिद्धा, यूनानी और ये सब चीज़ें होती है ना, ये रिकॉग्नाइज मेडिकल सिस्टम है। अब आ जाओ, ये पूछ रहे हैं कि ये क्या है, REIKI, हीलिंग ट्रीटमेंट, ये रिकॉग्नाइज मेडिकल सिस्टम नहीं है, क्योंकि रिकॉग्नाइज मेडिकल सिस्टम यही है तो ये हेल्थ केयर सर्विसेज में नहीं आएगी। पैरामेडिक्स कौन होते हैं? पैरामेडिक्स आर ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, फॉर एग्जांपल नर्सिंग स्टाफ, इस तरह के जो लोग होते हैं ना वो पैरामेडिक्स में आते हैं। सर ओनली क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट आएगा ट्रांसपोर्टेशन में? देखो मैं बताऊँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि लिखने में यहाँ पे गलती हुई है लॉ में, क्योंकि सारी चीज़ें आनी चाहिए, लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाए, वैसे डिस्प्यूटेड चीज़ें एग्जाम में ऐसे पूछते नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में आ जाए तो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट मानना, क्योंकि ये लिखा हुआ है। जो भी बच्चे इस चैप्टर को इज्जत नहीं दे रहे, इग्नोर कर रहे हैं ना, मैं मान के चल रहा हूँ कि IDT में उनका कल्याण नहीं होने वाला, खुद भी पढ़ लो, क्योंकि एग्जामिशन का चैप्टर इंपॉर्टेंट है। मैंने ABCI वो भी कराया था ना, उसमें मैंने बताया था कि एग्जामिशन बीच बीच में कहीं भी घुसा देते हैं। और जो भी बच्चे सोच रहे हैं ना कि जैसे आज भी मैं देख रहा हूँ अप्रॉक्सीमेट 45-46 बच्चे लाइव बैठे हैं, तो उनको लग रहा है कि एग्जामिशन को चलो देख लेंगे, वो देख लेंगे ना तो वो गलती कर रहे हैं बहुत बड़ी। एंड नंबर 46, सर्विसेज बाय वेटरनरी क्लिनिक इन रिलेशन टू हेल्थ केयर ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स, जानवरों के लिए ये सब चीज़ें होती हैं तो वो एग्जम्प्ट है। और सबसे ज़्यादा मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताया था कि कोल्ड ब्लड सेल स्टैम्प सर्विसेज, स्टैम्प सेल्स के लिए अगर कोल्ड ब्लड बैंक वाली जो सर्विसेज है ना उनको प्रिजर्व करने के लिए वो एग्जाम्प्ट है। ये क्वेश्चन भी मिल जाएगा आपको, इनफैक्ट जब 2018 में GST पहली बार आया था तो एग्जाम्पशन की बुक में 5-6 क्वेश्चन दे रखे थे उसके अंदर, तभी भी ये पॉइंट था। अब मैं ये देख रहा हूँ कि एग्जाम्पशन से रिलेटेड और कहीं भी कोई चीज़ लिखी हुई थी क्या? एक चीज़ और पूछ लेता हूँ आपसे, अब मैं आपसे दो तीन सवाल पूछता हूँ, इतना पढ़ाने के बाद मुझे आंसर दे देना कि सही है गलत है। हेल्थ केयर सर्विस से रिलेटेड सपोज करो आप कैंटीन हॉस्पिटल में हो, आप
कैंटीन सर्विसेज इन हॉस्पिटल की, ध्यान से सुनना क्वेश्चन, गारंटेड गारंटेड बनता है यहाँ से, गारंटेड गारंटेड। जो भी बच्चे बिल्कुल ऐसे इधर उधर देख रहे हो ना, इधर देख लो क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है, बता रहा हूँ, फिर मिस कर जाओगे, फिर बोलोगे सर एक बार फिर से। देखो ऑल वेंटिलेटरी सर्विसेज एग्जेम्प्ट, हाँ देखो कैंटीन सर्विसेज हॉस्पिटल प्रोवाइड कर रहा है, हॉस्पिटल ने अपने पेशेंट को करी, कौन से पेशेंट, बिल्कुल ध्यान से एग्जांपल देना ध्यान से, जो पेशेंट एडमिट हैं, तीन केस बता रहा हूँ, हॉस्पिटल ने अपने डॉक्टर्स को करी, हॉस्पिटल ने अपने जो आउटडोर पेशेंट्स आते ना, पर्ची कटाई लाइन में दिखाकर चले गए, या विजिटर्स जो होते हैं पेशेंट के साथ जो देखने वाले होते हैं, हॉस्पिटल कैंटीन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, कैंटीन सर्विसेज के भी दो केस होते हैं, या तो कैंटीन सर्विसेज खुद की होती है या आउटसोर्स होती है, कौन सी टैक्सेबल है और कौन सी नहीं, ये अपन बात करते हैं। समझ में आ रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको बता रहा हूं। अब ध्यान से देखो, आउटसोर्स कर दी मतलब किसी थर्ड पर्सन को दे दी कि तू हॉस्पिटल सर्विसेज देगा, तो अब वो जो आउटसोर्स पर्सन है उसका तो धंधा ही यही है, पेशेंट एडमिट एग्जाम आउटडोर पेशेंट टैक्सेबल, बिल्कुल डॉली, फर्स्ट एग्जाम सेकेंड एग्जाम थर्ड टैक्सेबल, पायल गलत। देखो मैं आपको बताता हूँ, आईटीसी में भी इस पर डिस्कशन करेंगे हम, पेशेंट तो पेशेंट वाला केस तो आ गया सेक्शन 8 वाला कंपोजिट सप्लाई, पेशेंट को मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, पेशेंट भी खाना खाने के लिए भर्ती नहीं हुआ, उसका मेन एक्टिविटी ये है कि वो बीमार है, ट्रीटमेंट और केयर, ट्रीटमेंट अपन ने पढ़ा था उन सात चीजों में आता है ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट तो एग्जम्प्ट है हेल्थ केयर सर्विसेज में, सारी सर्विसेज एग्जम्प्ट हो गई उसकी, सर्विस प्रोवाइड बाय द हॉस्पिटल टू इंपेशेंट इज, अब देखो सेकंड, डॉक्टर्स को खाना खिलाने को दे रहे हैं तो ये टैक्सेबल होगा, ये क्यों टैक्सेबल होगा ये हम आईटीसी चैप्टर में भी आगे डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है, मैं अभी से थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ, जैसे अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज के लिए, एम्प्लॉयज को जैसे केटरिंग सर्विसेज वगैरह आगे सब आएंगे, एम्प्लॉयज को खाना खिला के देना तो वो टैक्सेबल है, लेकिन अब उसके बिजनेस के लिए रेलिवेंट वो चीज़, मतलब अपने क्लाइंट्स को खाना खिलाना हो कि भाई उसको बिजनेस बढ़ाने के लिए काम आती है, डॉक्टर्स को खाना खिलाने से हॉस्पिटल का बिजनेस नहीं चलता, लेकिन पेशेंट को खाना खिलाने से हॉस्पिटल का बिजनेस चलता है, तो वो उसके बिजनेस के लिए चाहिए, ठीक है, वो कंपोजिट सप्लाई हो गई, डॉक्टर के केस में टैक्सेबल है, आउटडोर पेशेंट जो आए ऐसे आए विजिटर आए डॉक्टर पेशेंट के साथ, उसको भूख लग गई कैंटीन में गया तो टैक्सेबल हो जाएगा, आउटडोर पेशेंट आए पर्ची कटाई चले गए, लेकिन जो एडमिट हुए ना वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, ये इंपॉर्टेंट केस है ध्यान रखें, आगे हम डिस्कस करेंगे इसको और भी, ये मैंने थोड़ा जल्दी बता दिया लेकिन इंपॉर्टेंट था इसलिए बता दो। एक सवाल और पूछ लेता हूँ, पूछ लूँ, अब मान के चलो ये हॉस्पिटल है, ये चिंटू है, उसने हॉस्पिटल को 50,000 रुपये दिए, दिखाने गया है डॉक्टर के पास, इलाज कराया इसने, हॉस्पिटल ने डॉक्टर को, जो डॉक्टर है जो इसका इलाज कर रहा है उसको 30,000 रुपये दिए, ये क्लैरिफिकेशन है, ये जो डाउट हो गए ये तो मेरे मन से बना बना के नहीं दे रहा मैं, जो केस हुए हैं जो डाउट हुए हैं ना वो बता रहा हूँ जो किताब से बाहर हैं, तो सवाल ही आया था कि 20,000 रुपये GST लगेगा या लगेगा, मुझे बताओ,
नहीं लगेगा, डॉली। वेरी गुड आंसर, आंसर किसने दिया? डॉली ने दिया। डॉली एस बोल रही है कि नो जीएसटी, खुशी ने बोला नो जीएसटी। और ये मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, रे भी बोल रहा है नो जीएसटी। तेजा श्री ये भी बोल रहे नॉट नो जीएसटी। रौनक, ओह रौनक वेयर वर यू, आई वाज मिसिंग यू, कुछ नहीं बोलते। तो इन सब ने बोला नो जीएसटी, बिल्कुल सही बात है भाई। हॉस्पिटल को पेशेंट ने 20-50 हज़ार रुपये दिए, हॉस्पिटल का खुद का भी तो खर्चा होता है, हॉस्पिटल में एसी लग रहा है, हॉस्पिटल की और भी सर्विस होती है, हॉस्पिटल की इतनी क्लिनिक सर्विसेज होती हैं, उससे तुम्हें क्या मतलब है कि हॉस्पिटल ने डॉक्टर को कितने दिए? पूरा अमाउंट एग्जम्प्ट होगा, कोई टैक्सेबल नहीं होगा। समझ में आया? और एक बात और बता दूं, जो डॉक्टर को भी अमाउंट दे रहे हैं ना हॉस्पिटल, वो भी एग्जम्प्ट है, क्योंकि अगर वो टैक्सेबल होगा तो फिर इनडायरेक्टली सर्विसेज महंगी हो जाएंगी, तो सब एग्जम्प्ट है। सर आज मेरा वाईफाई नहीं चल रहा था। अरे आज मेरी भी लाइट नहीं आ रही थी, और लकी वर्मा एक बच्चा था, कुछ बुरा लग गया कि मैं लेट आया। अभी भी लाइट तो क्लियर नहीं आ रही है, इन्वर्टर से चला रखा है, ये मैं आपको बिल्कुल डायरेक्ट दिख रहा हूँ क्योंकि लाइट ही नहीं आ रही है। कौन कौन से एग्जामिनेशन करवा लिए सर? आज का चैप्टर रौनक बहुत इंपॉर्टेंट है, सच बता रहा हूँ। ये बच्चे है ना हल्के में ले लो, मैं इस पर आज काफ़ी तो मैंने पढ़ा है इस पर। आज देखो पढ़ मैंने सब रखा है, लेकिन मेरा पर्पज़ ये होता है कि मैं बच्चे की तरह आपको बताऊँ कि आप समझ पाओ इसको, इससे आपको याद रह जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत तकलीफ मेरे को भी आई थी। फिर मैं और रिसर्च करके नोट्स बना रहा हूँ, इससे बहुत सिस्टमेटिक एक जगह के नोट्स हो जाएंगे, इसलिए नोट्स बनाने में टाइम लग गया, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है ये। मेरा पर्पज़ यही है कि इसलिए मैं आपको फटाफट मैंने अभी क्या क्या सर्विस पढ़ा दी, पहले तो मैं ये बताता हूँ। रौनक ने बिल्कुल, तेजाश्री चाय वाय नहीं पीता मैं बता देता हूँ, मैं चाय वाय कुछ नहीं पीता, गर्म पानी है जो कोविड में सबको पीना चाहिए, वो पी रहा हूँ, आप भी पिया करो। अब देखो हेल्थ केयर सर्विसेज का एक पेज 4.61 पे भी था, उसमें कोई हेल्थ केयर सर्विसेज एक रह गई थी, एक बार इसको गो थ्रू कर लें, जो अपन ने पढ़ाया जिससे आपको लगे तो सही कि जो पढ़ाया वो तमीज वाला पढ़ाया नहीं पढ़ाया मैंने। देखो एक बार अपन यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं, ये इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन है, मैं कोई मन से तो बना नहीं था, इधर उधर की कहानी बताऊंगा नहीं। हेल्दी नर्सिंग होम स्पेशलाइज अंडरटेकिंग प्लास्टिक सर्जरी का उसका बिजनेस है। वंस अ सर्जरी इज कंडक्टेड टू रिपेयर क्लिप लिप ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी, अब किसी बेबी का कोई लिप खराब आ गया होगा न्यू बॉर्न बेबी का, तो वो उसमें मानेंगे क्योंकि कॉग्निटल डिफेक्ट है, और बॉडी को फिर से वैसा ही जैसे बॉडी होनी चाहिए वो करने के लिए आया, तो एग्जाम मानेंगे। ये वही है इलनेस वाला एग्जाम्पल है, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। रिकॉग्नाइज हेल्थ केयर अपने पढ़ी ली थी, ये तो पूरा मॉड्यूल जो कोई काम का नहीं है उससे भी मैं आपको बता रहा हूँ ना गो थ्रू, तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि चलो ये तो आ ही गया। देखो मैंने आपको बताया था फूड सप्लाई टू पेशेंट, अब चलो ये वाला एग्जाम्पल भी लो। अमाउंट चार्ज बाय हॉस्पिटल फ्रॉम द पेशेंट, हॉस्पिटल ने पेशेंट से 10,000 रुपये लिए, लेकिन कंसल्टेंट को 7,500 रुपये दिए। 10,000 रुपीज ही चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, 10,000 रुपीज ही द हॉस्पिटल चार्ज फ्रॉम द पेशेंट, एंड ही ओनली पेड 7,500 टू द टेक्नीशियन एंड बैलेंस फॉर प्रोवाइडिंग एंसिलरी सर्विसेज। तो जीएसटी उससे कोई मतलब नहीं है कि 2,500 टैक्सेबल होगा, नहीं होगा, क्योंकि पूरा अमाउंट 10,000 एग्जम्प्ट हो जाएगा। द एंटायर अमाउंट चार्ज बाय देम फ्रॉम द पेशेंट इज द रिटेंशन मनी एंड इज एग्जम्प्ट। मेरे ख्याल से हर बच्चे को समझ में आ रहा होगा। देखो अब ये चीज़ मैंने बताई, अब ये चीज़ मैं बता चुका, फूड सप्लाई में आपको कहानी के फॉर्म में सुनाता हूँ, ये लिख के दे देता है, पर कहानी याद रहती है, लिखी हुई चीज़ें वो होता है ना कि मूवी देखते हैं तो जल्दी याद हो जाता है, लेकिन नॉवल पढ़ते हैं तो मज़ा कम आती है, तो मैं कहानी सुनाता हूँ। फूड सप्लाई टू द पेशेंट, पेशेंट को फूड सप्लाई किया। हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट विल इंक्लूड फूड सप्लाई टू द पेशेंट, बट सच फूड मे बी प्रिपेयर्ड बाय द कैंटीन रन बाय द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल की कैंटीन होगी तो ही फूड सप्लाई एग्जम्प्ट होगा, अगर वो किसी आउटसोर्स कैटर्स ले रहे हैं तो एग्जम्प्ट होगा, तो टैक्सेबल होगा, क्योंकि आउटसोर्स जो काम है उसका तो काम है यही है, हॉस्पिटल का काम कोई खाना सर्व करना थोड़ी है, उसका तो काम ही यही, तो वो तो टैक्स लगेगा ही लगेगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा?
बिल्कुल समझ में आ गया, वो जो मैंने कहानी बोली ना वही है। व्हेन आउटसोर्स देयर इज नो एम्बिग्यूटी दैट सप्लायर्स आर चार्जिंग इन हॉस्पिटल वी गेट नो आईटीसी। इस पे आईटीसी में डिस्कस करेंगे इस बारे में। फूड सप्लाई टू द इन पेशेंट, मतलब जो पेशेंट एडमिट है एज एडवाइज बाय द डॉक्टर आर कंपोजिट सप्लाई एंड नॉट सेपरेटली टैक्सेबल। अदर सप्लाई द फूड बाय हॉस्पिटल टू पेशेंट नॉट एडमिटेड, जो पेशेंट एडमिट नहीं है विजिटर्स नहीं है वो एग्जम्प्ट नहीं होंगे, टैक्सेबल होंगे। जो मैंने चार्ट बना के दिखाया था ना वो कहानी यही है। एम्बुलेंस एग्जम्प्ट होगी। अब देखो एक पेज है हॉस्पिटल के बाद, आगे आ जाते हैं। अब अपनी दो चीजें हो गई आज, कल मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो जाएगा चैप्टर। इतनी जल्दी आपको लग भी नहीं रहा होगा कि कोई तो सोच रहा होगा रेगुलर क्लास है रिवीजन। जोक्स भी सुना दूंगा जाते टाइम। आज क्या काफी टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे तो नोट्स भी इसलिए नहीं बन पाए, वरना नोट्स आधे बन गए, आधे रात तक बना दूंगा। बहुत बड़े नोट्स हैं इसके, एक्चुअली सोचना बहुत पड़ता है, पन्ने बहुत घुमाने पड़ते हैं इसके। अपन कहाँ चल रहे थे, हेल्थ केयर सर्विस पे चल रहे थे। हेल्थ केयर सर्विस हो गई थी, अब हेल्थ केयर सर्विस कंप्लीट हो गई। हेल्थ केयर सर्विस कंप्लीट हो गई, मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब अपन पढ़ेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। अब मैं आपको बताऊंगा, अब आप सोचोगे सर इतनी सर्विसेज याद कैसे करें। देखो चैरिटेबल ट्रस्ट में तो कुछ ज़्यादा सर्विसेज थी नहीं, हेल्थ केयर सर्विस में भी कुछ ज़्यादा सर्विसेज थी नहीं, आपको अपने आप याद रह जाएंगी। बिल्कुल लॉजिकल और बेसिक चीज़ें थी कि अगर एग्जाम में क्या क्या पूछते हैं, पेशेंट को खाना दिया, ऐसे केसेस आ जाते हैं, पेशेंट को खाना दिया तो वो एग्जम्प्ट हो जाता है, बाहर वाले को दिया टैक्सेबल हो जाता है, डॉक्टर को दिया तो टैक्सेबल हो जाता है, ठीक है। बूढ़े अनाथ आश्रम में 25,000 रुपये से ज़्यादा का किराया लिया अगर चार्ज किए तो पूरा टैक्सेबल है। 60 ईयर से ऊपर की एज होनी चाहिए तभी टैक्सेबल होगा, तो तभी एग्जम्प्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें पड़ी हैं। होटल में गए 1,000 रुपये किराया है तो एग्जम्प्ट है। अगर बाबा रामदेव के आश्रम में गए या आश्रम के बाबा के आश्रम में गए, अगर 999 तक किराया है तो एग्जम्प्ट होगा। अगर 1,000 है तो टैक्सेबल होगा उस केस में। 10,000 रुपये में शादी का मंडप लिया है, कम्युनिटी हॉल लिया तो 10,000 रुपये दिया तो टैक्सेबल है। अगर 9,999 दिया तो एग्जम्प्ट है। रेंट लिया, ये पर डे का बता रहा था मैं, कोई दुकान ली उसका किराया 10,000 या 10,000 है या उससे ज़्यादा, 10,000 या उससे ज़्यादा तो टैक्सेबल है। 4/9 मतलब 9,999 हुआ तो एग्जम्प्ट हो जाएगा। वो किसकी बात थी, अगर चैरिटेबल एंटिटी के बाहर ऐसे बोल रहे हैं दुकान वुकान लगा देते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं, वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। फिर हेल्थ केयर सर्विसेज हमने पढ़ी, डॉक्टर वॉक्टर वाली सर्विसेज। इट्स अ कंपोजिट सप्लाई, इट शुड बी एग्जम्प्ट राइट। सी ए राजकुमार सर, किसी ने COVID-19 के लिए आउटसाइड डॉक्टर से सर्विस लिया हो अदर देन हॉस्पिटल टेक्सेबल होगी या नहीं होगी? देखो राजकुमार जी, COVID-19 के लिए वो बोल रहे हैं कि वैसे कोई रेलिवेंट चीज़ नहीं पूछी उन्होंने, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। जो अपन ने तीन चीज़ पढ़ी थी ना, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, पैरामेडिक्स और ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, तो ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर के केस में आ जाएगा जो राजकुमार जी ने पूछा है। सर आपने DT के ABC एनालिसिस वाले में ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए 4 स्टेप में आंसर का बोला था, प्लीज़ 1 मिनट के लिए वो शेयर कर सकते हैं क्या? रचित जैन भाई, इतना अच्छे से देखा है इस लड़के ने, तो वो पता है बहुत अच्छी ट्रिक बनाई थी मैंने। जब अपन उससे करेंगे ना, अब देखो मैं IDT पढ़ाता हूँ, अगर DT में पढ़ाता ना वो चैप्टर ट्रांसफर प्राइसिंग ऐसा पढ़ाता, 1 घंटे के अंदर पूरा ट्रांसफर प्राइसिंग हो जाता, उसका एक भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन गलत नहीं होता। तो मैं अकेडमी से स्पेशल परमिशन लेके वो चैप्टर एक दिन करा दूंगा, अगर अकेडमी अलाउ करेगा, वैसे मेरे ख्याल से कर देगा, कोई इशू नहीं है उनको, तो मैं वो चैप्टर करा दूंगा। सच बता रहा हूँ, अगर वो चैप्टर कर लिया ना ट्रांसफर प्राइसिंग का, तो जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा ट्रांसफर प्राइसिंग कभी नहीं भूल पाओगे, और आपको उससे मतलब भी नहीं होगा कि कौन सा मेथड है। 3 स्टेप है, 3 स्टेप फॉलो किए, क्वेश्चन अपने आप निकल जाए। अब बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में आ जाते हैं। एवरीबडी अब इधर आ जाओ फटाफट, इधर आ जाओ फटाफट, तोड़ मचाने वाले हैं। GST आप देखो सप्लाई, मेरे ख्याल से हर बच्चे के दिमाग में घुस गया होगा, जिसके भी दिमाग में नहीं घुसा हो ना तो एक बार फिर से लेक्चर देख लेना, मैं बता रहा हूँ। अब आप सोचोगे ना कि सर बार बार रिवीजन करना है, बेटा रिवीजन भी नहीं करना, मैं करा दूंगा सब। जब जैसे 2-3 चैप्टर हो जाएंगे ना, एक दिन बैठेंगे मौज मस्ती लेके, एक दिन मजे में बैठेंगे, जो उसकी क्लास चलेगी, मस्ती चलेगी, मस्ती मस्ती में। आपको पता है मेरे एग्जांपल वैसे में कैसे होते हैं, कंपोजिट सप्लाई वाला मैंने एग्जांपल दिया था, मिक्स सप्लाई वाला दिया था। कंपोजिट सप्लाई मेरे ख्याल से काफ़ी बच्चों के मैसेज आए थे कि सर गर्लफ्रेंड के साथ उसका बॉयफ्रेंड या उसका एक्स भी आता है तो वो कंपोजिट हो गया, नेचुरली बंडल्ड है, वो आएगा। अब कभी भी गलती नहीं करोगे, हर तरह के पता है। अब जैसे कंपोजिट में अपन ने एक केस और पढ़ा था कि अगर
ऐसा हो रहा है कि कंपोजिट के केस में लिस्ट आ रही है पूरी, और हर आइटम की अलग अलग रेट दे रखी है, तो भी जो टोटल सप्लाई है ना उस पर प्रिंसिपल वैल्यू पर टैक्स लगाएंगे। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ, जिससे पुराना भी 2 मिनट का अगर कोई चीज़ ले ली ना जो इंपॉर्टेंट है, जैसे उस चैप्टर में इंपॉर्टेंट ही 2 चीज़ थी, शेड्यूल 1 शेड्यूल 3 और कंपोजिट और मिक्स सप्लाई, तो अब 2 मिनट बोल के रिविजन हो रहा है तो दिमाग में एक बार और बैठ जाएगा। इसलिए इसलिए बीच बीच में क्लास में कोई भी कोई सा टॉपिक बताता हूँ तो ये मत बोलना कि पढ़ा कुछ रहे और पढ़ा कुछ और रहे। सर क्लास की कोई फिक्स टाइमिंग है? फिक्स टाइम में अनुमिता 5 बजे कल भी थी और आज भी 5 बजे हुई है, क्योंकि पहले मैं 1 से 2 लेता था और शाम को 6 से 7 लेता था, लेकिन टेलीग्राम पे बच्चों ने पोल करवाया और पोल में ये कंक्लूजन आया कि बच्चे चाहते हैं 70 या 60% बच्चे कि क्लास 2 घंटे की एक साथ हो और 5 से 7 हो। तो बच्चे जैसा कह रहे हैं मैं तो वो कर रहा हूँ, मैं खुद की तो कुछ कर ही नहीं था कि मेरा मन है 5 से 7 लेने का। आप लोगों का जो विश होगा, आप लोग बोलेंगे कि रात के 11 बजे क्लास ले लो तो मैं 11 बजे ले लूँगा, आप बोलोगे 12 बजे ले लो तो 12 बजे ले लूँगा। आप लोग जब बोलोगे, आप बच्चे खुद ही पोल करा लेते हैं और पोल में बच्चे खुद ही लिख देते हैं ये टाइम है, तो इसलिए इसी टाइम पे क्लास ले रहे हो। अब आ जाओ, रिजर्व बैंक कोई सर्विसेज दे, रिजर्व बैंक कोई भी सर्विसेज दे तो वो एग्जेम्प्ट मान ली जाती है। रिजर्व बैंक दे, रिजर्व बैंक ले नहीं, अगर रिजर्व बैंक दे तो ये एग्जेम्प्ट मानते हैं, रिजर्व बैंक ले उसका अलग से आएगा। ये दे और ले का आज स्मूथ जा रही है क्लास, अरे पड़ोसी का लैपटॉप लेके आया हूँ इसमें जा रही है, क्या लॉकडाउन चल रहा है इसलिए नया लैपटॉप का कुछ इशू आ रहा है। मेरे लैपटॉप में क्या वो वन नोट सपोर्ट नहीं करता, जैसे वन नोट खोलता हूँ सिस्टम लैग कर जाता है। फिर भी आज भी पता है सिस्टम थोड़ा लेट लेके आया, जिससे क्या वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं हुई, आज रात को बैठ के इस पर और वर्क करूंगा और कल से वीडियो क्वालिटी भी बहुत अच्छी आएगी, तो नेचुरल है ना वो लगेगा आपको, आज तो वीडियो क्वालिटी बहुत डार्क लग रही होगी। देखो रिजर्व बैंकिंग का फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब रिजर्व बैंक ने कोई भी सर्विसेज दी, रिजर्व बैंक ने कोई भी सर्विसेज दी, रिजर्व बैंक ने कोई भी सर्विसेज दी, दिमाग में डाल लो, रिजर्व बैंक देश के भले के लिए है, एग्जेम्प्ट है, रिजर्व बैंक को सर्विसेज मिली, रिजर्व बैंक को सर्विसेज मिली, वो आगे बढ़ेंगे। सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट लोन और एडवांसेज, डिपॉजिट लोन और एडवांसेज मतलब इंटरेस्ट और डिस्काउंट की सर्विसेज मिली आपको, इंटरेस्ट और डिस्काउंट की सर्विसेज मिली, इंटरेस्ट और डिस्काउंट की सर्विसेज मिली। बैंक में पैसा जमा कराया, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, सर इंटरेस्ट दिया तो क्या सप्लाई है? बिल्कुल सप्लाई है सर। कैसे? मैंने आपको बताया था ना, याद करो कि बैंक में पैसा जमा करा के निकलवाया तो मनी मनी गया और मनी आया तो उसमें तो क्या ही जीएसटी लगेगा, क्योंकि मनी पे कभी जीएसटी लगता नहीं है, क्योंकि मनी ना गुड्स है ना सर्विस है। लेकिन मैंने कहा था इंटरेस्ट की बात मत करना, इंटरेस्ट आगे डिस्कस करेंगे, वो इंटरेस्ट यहाँ आ गया, ये इंटरेस्ट आईटी चैप्टर में भी आएगा, ये इंटरेस्ट जब बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे ना कहीं इंटरेस्ट घुसा देते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सर सप्लाई के क्वेश्चन कब कराएंगे? सोनल कमेंट में लिख दो कौन कौन बच्चे चाहते हैं कि सप्लाई के क्वेश्चन करा दूँ, तो आखिर के 10 से 15 मिनट में सप्लाई के क्वेश्चन में ले लूँगा। देखो तो साइड में मैंने इसलिए खोल रखा था कि बच्चे आखिर में पूछ सकते हैं कि क्वेश्चन आप सप्लाई करा दो, इसलिए खोल के रखा हुआ था मैंने। आप लोग जो बोलोगे ना मैं तो वो करा दूंगा, और मैं अपनी तरफ से अपनी एडवाइस दूंगा कि आपके लिए ये जरूरी है, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ये ध्यान रखो, इधर उधर के एक्स्ट्रा ज्ञान लेने में दिमाग खराब मत करा करो अपना कि यहाँ से ये क्वेश्चन बैंक कर लेते हैं, यहाँ से ये क्वेश्चन बैंक कर लेते हैं। इनफैक्ट मैं जयपुर में रहता हूँ और एक मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कई ऐसे पब्लिशर्स हैं पता है, क्वेश्चन तो उठाएंगे इंस्टीट्यूट का लेकिन आंसर अपने मन का कर देते हैं। जब एग्जामिनर में चेकर बैठा होगा ना तो उनको तुम्हारे मन में क्या है उनको घंटा मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है उसको, उसको सीए इंस्टीट्यूट के आंसर की में जो आंसर लिखा हुआ है ना उससे वर्ड टू वर्ड मिला देगा। तुमने लिख दिया 22,000 और उन्होंने अपने आंसर में लिख दिया इट इज टू बी अज्यूम दैट, जो बाहर के पब्लिशर्स हैं जो आंसर को बदल देते हैं उन्होंने तो लिख दिया कि हमारी अजम्पशन यह है, तुम्हारी अजम्पशन क्या है ना, उसको सीए को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो चेकर है ना ना तो वो सीए ना उसको इंडायरेक्ट ऐसी कोई नॉलेज है, वो तो सिर्फ एक एम्प्लॉई है जो कॉपी मंगा के चेक करने के लिए दे जा रहे हैं, उसको पैसे मिल रहे हैं उस चीज के, वो तुम्हारी फिगर फिगर देखेगा 70,000 42,000 38,000 आंसर ये टोटल ये नंबर मिल गए, नहीं तो कोई मतलब नहीं उसको। वो जो तुम लिखते हो ना एटी टू बी अज्यूम्ड, अगर वो आंसर की में एटी टू बी अज्यूम्ड लिखा हुआ है ना अजम्पशन तो वो उसको पढ़ लेगा, तुम्हारी कोई भी अजम्पशन उसको कोई मतलब नहीं उससे। सर फ्लो कंटिन्यू, सर रात को हाफ एन आवर फॉर सप्लाई क्वेश्चन, रात को क्लास थोड़ी लूंगा मैं, जो रात को अलग से थोड़ी लूंगा, ठीक है फिर भी देख लेंगे। सर सीए सीएम रजा जैन गुड टू सी यू अक्षांश शेयर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। रजत सर को सभी जानते होंगे मेरे ख्याल से यहाँ पे, रजत सर एक्चुअली मैं भी रजत सर भी जयपुर में रहते हैं और अतुल सर के भी बहुत अच्छे फ्रेंड हैं रजत सर, रजत सर से मैं रजत सर पहले जयपुर में एक बहुत अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे और मैं खुद इनका स्टूडेंट रहा हूँ, इन्होंने मुझे इसका पढ़ाया था और इन्होंने काफ़ी अच्छे निमोनिक्स भी दिए थे जिससे मुझे इसका याद हुई थी, सो थैंक यू रजत सर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। सर फ्लो कंटिन्यू,
रजत सर, आज थोड़ा बच्चों को बोरिंग टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है बच्चों को बोरिंग है तो बच्चे कम है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंटिन्यू करते हैं। देखो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज अगर दे रहे हैं, अब अपन ने दो दो सर्विसेज तो कर ली, हेल्थ केयर सर्विसेज और चैरिटेबल ट्रस्ट वाली सर्विसेज। चैरिटेबल ट्रस्ट सेक्शन 12AA और हेल्थ केयर सर्विसेज में अपने बताया तीन लोग अगर सर्विस दें, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट, पैरामेडिक्स और एक और था उसमें ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की बात आती है। अगर आरबीआई कोई भी सर्विस दे तो एग्जेम्प्ट है, कोई भी सर्विसेज मिली जिसमें इंटरेस्ट और डिस्काउंट वाली सर्विसेज है, लेकिन इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड का अगर इंटरेस्ट हुआ ना, क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट हुआ तो उस पर टैक्स लगेगा। अब देखो आप खुद सोचो, आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट लेट कर रहे हो, ड्यू डेट से भी लेट कर रहे हो, तो गवर्नमेंट का पैसा तो ब्लॉक हो गया, मतलब पैसा लेट मिला, बैंक को पैसा लेट मिला, उस पर वैसे इंटरेस्ट। आप तो ये मान के लो, कुछ मत सोचो, क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट ना वो टैक्सेबल है, बाकी सब। एक सवाल पूछूंगा जो मैंने पुरानी क्लास में चीख चीख के बताया था कि बच्चे यहाँ जाके गलती करते हैं, वही क्वेश्चन अब क्वेश्चन में भी वही क्वेश्चन आएगा, यहीं से रिलेट करके पूछूंगा। अब मुझे एक चीज और बताना, बैंक ने प्रोसेसिंग, आप लोन लेने गए और बैंक ने प्रोसेसिंग चार्जेस लगाए। सर मैं अब लाइव में, आज बहुत सही जा रहा है क्लास, नो लैग, थैंक्स टू वन नोट सौरभ केसरी, अब से कभी लैग नहीं होगा, बिकॉज आप लोगों को इशू आया है वो मुझे पसंद नहीं, दो वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं होता कि मैं कैसा दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा, वो उसको भी इम्प्रूव करूँगा, पर मेन चीज़ है कि क्लास में कोई लैग नहीं होना चाहिए, बहुत इरिटेशन होती है लिटरली, और मेरा भी फ्लो टूटता है, मैं इतना सब कुछ सोच समझ के आता हूँ कि यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा और फिर मिस हो जाता है ना, तो दिक्कत लगती है मुझे भी। अब आप ये देखते हैं, मैं आपसे पूछ रहा था कि अगर बैंक में लोन लेने गए और प्रोसेसिंग चार्जेस लगे तो उस पर GST लगेगा या नहीं लगेगा, मुझे जल्दी से बता दो, GST लगेगा या नहीं लगेगा। आप अपने दोस्तों को भी शेयर करा करो, क्योंकि IDT यहाँ आपको YouTube में फ्री में इतना अच्छा पढ़ने को मिल रहा है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा, सबके मैं डाउट लेता हूँ। रौनित बोल रहे लगेगा, सौरभ बोल रहे लगेगा, नीतू बोल रहे लगेगा, डॉली बोल रही एग्जम्प्ट है, पायल लगेगा, तो मेजोरिटी लगेगा, इसका मतलब लगेगा, मेजोरिटी ऑलवेज मीन्स। देखो लॉजिक बताता हूँ, क्वेश्चन में सिर्फ इसमें लिखा है कि इंटरेस्ट और डिस्काउंट के चार्जेस है ना वो एग्जम्प्ट है, अब वो प्रोसेसिंग फीस में इंटरेस्ट और डिस्काउंट है वो नहीं है तो टैक्सेबल। तब तो देखो इंटरेस्ट और डिस्काउंट, रजत सर इज हेयर, रजत सर आए थे बट चले गए, माहौल बनाने आए थे सर बस। GST लगेगा, बिल्कुल लगेगा इस पे। अब एक सवाल और पूछता हूँ, आंसर गलत दिया ना देख ले, एक सवाल और पूछता हूँ, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट पे इंटरेस्ट लगा उस पर GST लगेगा या नहीं लगेगा। तेजाश्री, इन केस ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन वैल्यू अप टू 2000 एग्जाम, इंटरेस्ट की बात कर रहा था कि क्रेडिट कार्ड का पेमेंट अगर लेट किया तो उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा ना, लेट फी पेमेंट करने का, वो टैक्सेबल होगा। अगर 2000 की बात होती तो शायद यहाँ पे गिवन होती, अगर फिर भी कुछ ऐसा प्रोविजन होगा तो मैं बता दूंगा। इंटरेस्ट ऑन रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट पे GST लगेगा या नहीं लगेगा। नालायक हो, क्या क्या लिख रहे हो, बेइज्जती करा रहे हो तुम मेरी, इतना अच्छा पढ़ा के चीख चीख के पढ़ाया था कल मैंने, फिर बोल रहे हो। देखो तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन मैं एक बार ये चीज़ बता देता हूँ, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ये ना सिक्योरिटी सर्विसेज हैं, शेयर एंड सिक्योरिटी वाली चीज़ें थी ना। रेपो और रिवर्स रेट क्या होता है कि RBI कोई पैसा लेता है या कॉमर्शियल बैंक कोई पैसा लेता है। अच्छा, रेपो रेट और रिवर्स रेट को छोड़ो, ये याद रखो, ये याद रखो, क्वेश्चन में ऐसे पूछते हैं इंटरेस्ट ऑन रेपो रेट, इंटरेस्ट ऑन रिवर्स रेपो रेट, ये शेयर एंड सिक्योरिटी सर्विसेज के अंदर आती है, शेयर एंड सिक्योरिटीज के अंदर आती है। अब GST लगेगा या नहीं लगेगा। मेरे काफ़ी बच्चों ने अच्छा आंसर दिया, सौरभ ने सही आंसर दिया, धैर्य ने सही आंसर दिया, नीतू ने सही आंसर दिया, जैनी ने सही आंसर दिया, रितु जा ने सही आंसर दिया, रेपो पे नहीं लगना चाहिए संदीप, नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा,
क्योंकि सिक्योरिटीज और सिक्योरिटी जो ट्रांजेक्शन है ना, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, वो ना तो गुड्स है ना सर्विसेज है। जीएसटी से तो वैसे ही बाहर हो गए, नीदर गुड्स नीदर सर्विसेज। जीएसटी तो गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। समझ में आया? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़, जो भी जिस तरह के भी मैं पढ़ाते पढ़ाते मुझे पता है कि किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मैं क्वेश्चन बैंक बनाता हूँ तो मुझे पता होता है, पास्ट ईयर के क्वेश्चन देखता हूँ, तो मैं वही की वही क्लियर करता हूँ, जिससे आप क्वेश्चन करो ना तो दिक्कत ना आए। देखो आगे बढ़ते हैं। सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट लोन एंड एडवांसेस अदर देन इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड, इंटरेस्ट सेल और परचेज ऑफ फॉरन करेंसी अमंग बैंक। अब देखो, अगर बैंक आपस के अगर फॉरेन करेंसी को सेल और परचेज करते हैं तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अब वैल्यूएशन चैप्टर में हम एक चीज़ पढ़ेंगे, वैल्यूएशन चैप्टर में हम एक चीज़ पढ़ेंगे, जैसे आप मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप बैंक में गए और आपने 10,000 रुपये के डॉलर मांगे, 70 रुपये डॉलर की रेट है, तो आपको 60 रुपये 69 रुपये के हिसाब से दे देंगे, मतलब कुछ चार्जेस लगा देंगे वो, और कुछ पैसे पे टैक्स लगा जीएसटी लगा देंगे, जो उनके कन्वर्जन फीस होगी, ठीक है। लेकिन अगर बैंक आपस में कर रहे हैं, ये लोग सेल और परचेज ऑफ फॉरन करेंसी अमंग बैंक्स और ऑथराइज डीलर ऑफ फॉरन एक्सचेंज, ये आपस में कर रहे हैं ना, पब्लिक कर रही है तो टैक्स लगेगा। किस पे टैक्स लगेगा? पूरे वैल्यू पे नहीं लगेगा, जो उसका चार्ज होगा ना प्रोसेसिंग चार्ज, उस पे जो उसके जो उसका कन्वर्जन मनी का अमाउंट होगा उस पे जीएसटी लगेगा। लेकिन अगर ये खुद आपस में कर रहे हैं ना, देखो अब इंटेंशन क्या था लॉ का, आप सोचो पब्लिक को देंगे तो पब्लिक तो मतलब अल्टीमेट यूजर हो गया, अभी आपस में इनके इंटरनल ट्रांजेक्शन सही है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ओके सर, क्लियर, थैंक यू जॉय। आगे बढ़े, एक सवाल और था। अगर हम बैंक से मैंने लोन लिया, दिया नहीं बैंक को, पैसा दिया नहीं, तो मैंने लोन लिया, मैं बैंक को इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, उस पर जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? जल्दी बताओ। नहीं लगेगा, एग्जैम्प्ट, यस डॉली, बिल्कुल सही। कल इस क्लास को पता है जितना भी पढ़ाए ना, उसको और अच्छे से रिवीजन करेंगे और अच्छे से बताऊंगा। टैक्स इश्यूज तो मेरे ख्याल से खत्म हो गए, और भी जो छोटे मोटे इश्यूज होंगे ना उनको सही करके आऊंगा, उसको और बताऊंगा। अभी अभी क्लास खत्म नहीं हो रही, बैठे रहो बैठे रहो, सब बैठे रहो। एग्जाम बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सब सही बोल रहे हैं, सब बच्चे सही बोल रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक सर्विसेज हैं 27A की एंट्री नंबर। अब मैं आपको बताता हूँ, ये अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा ना 10-15 सर्विसेज तो ऐसे ऐसे खत्म हो जाएगी, याद पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब भी क्वेश्चन में ऐसा लिखा जाए ना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, मतलब इस तरह की कोई हिंदी वाले टर्म्स आ जाए, ऐसी कोई योजना, ऐसी कोई स्कीम आ जाए सरकार की जितनी भी स्कीम होती है ना, वो वेलफेयर के लिए होती है, वो है ना जनता के भले के लिए होती है, उस केस में क्या होगा, पूरी की पूरी एग्जाम माने। मैं आपको पढ़ा देता हूँ, मैं आपको इससे इस बुक के कम से कम 8 से 10 पेज खत्म हो जाएंगे सिर्फ इसी लाइन से। कैसे खत्म होंगे देखते हैं। पहले तो आओ, तुम एक लाइन पढ़ ली ना तुमने, देखो अब मैं पढ़ाता हूँ तुम्हें। 4.69 सब मैंने लिख रखा है कि ये इस चीज पे दे रखी है, ये यहाँ पे दे रखी थी। अब नोट्स में क्या है, इन सबको एक जगह इकट्ठा करके डाल दूंगा, तो इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, सरकार के इरादे समझो आप। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज दी हैं आपको, नेशनल पेंशन स्कीम वगैरह ये सब एग्जेम्प्ट है। अब आधे तो ऐसे बैठे होंगे यहाँ पे, लाइफ इंश्योरेंस सर्विस का मतलब LIC सर्विस नहीं हो, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, LIC तो कंपनी है, वो उसको अपन प्रीमियम पे करेंगे तो GST लगेगा। लेकिन सरकार की अगर कोई पॉलिसी आती है जिसपे हम प्रीमियम पे करते हैं, उस पर GST एग्जेम्प्ट हो जाए। दिलीप, अटेंडिंग योर फर्स्ट टाइम लेक्चर, आप पुराने लेक्चर भी देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा मैं सारे टॉपिक कवर कर रहा हूँ नहीं कर रहा। दिलीप, मैं बिल्कुल सारे टॉपिक कवर कर रहा हूँ सर। टेलीग्राम चैनल लिंक प्लीज, धैर्य कोई भी डाल दो, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट वही है जो मुझे मेरे से ऑलरेडी से पढ़ते हैं। और मैं आपको बोलूंगा कि आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखेंगे ना तो मुझे भी एक मोटिवेशन आएगा कि यस मैं कुछ अच्छा पढ़ा रहा हूँ, और इतनी जो मैं अपनी मेहनत करके नोट्स वगैरह बना रहा हूँ तो वर्थफुल है। आप देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखना, LIC को प्रीमियम पे किया तो उस पर GST लगेगा, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन तो कंपनी का नाम है। सरकार की कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है PFRDA वाली, पब्लिक फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ डिपार्टमेंट, जब आप CA बन जाओगे ना तो PFRDA खूब वैकेंसी निकालता है। इसमें भी एक बार मैंने भी पेपर दिया था, इसको पास भी हो गया था।
सर्विसेज ऑफ, अब आप देखो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा इंटेंशन, आर्मी की सर्विसेज, एयरफोर्स की सर्विसेज, ये सब एग्जम्प्ट। सर्विसेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडेड और एग्री टू बी प्रोवाइड बाय, ये सब सब बिल्कुल, आप इसमें कुछ कोई रटने की जरूरत नहीं है इसमें। देखो आप देखो एक चीज़ है जो इंपॉर्टेंट है, ये देखो सेंट्रल आर्म पुलिस सर्विसेज, ये सब एग्जम्प्ट है। और नीचे आओ जनशन बीमा योजना, आम आदमी योजना, जो हिंदी की भाषा है ना, ये सब सब एग्जम्प्ट है। सब वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये प्रधानमंत्री जनधन, ये सब जिस तरह की। इसके अंदर एक चीज़ याद रखना, ये पॉइंट नंबर सी है ना 36 का, क्योंकि इसके अंदर लिमिट दी गई, इसलिए याद रखना है। इसके अंदर क्या क्या याद रखना है, अब जैसे अब आपने, मैं आपके नोट दूंगा, नोट के अंदर ये जो कहानी लिखी है ना, या तो मैं इसमें लिख दूंगा कुछ, मैं बता दूंगा, ये सब पढ़ने के लिए इतनी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सारी योजना योजनाएं रटने थोड़ी बैठेंगे, योजना रटने तो बैठेंगे नहीं, क्योंकि अपन ने तो गवर्नमेंट का इंटेंशन है वो पता चल गया अपन को। अब हिंदी की योजनाएं रटने नहीं बैठेंगे, हिंदी की योजना पता है, हिंदी की योजना एग्जम्प्ट होगी। लेकिन इसके अंदर लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जो उसका हैविंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कवर, कवर उसका 2 लाख रुपए का है। कवर मतलब पॉलिसी 2 लाख रुपए की, प्रीमियम नहीं, पॉलिसी 2 लाख रुपए की है। अगर सरकार ने बोला कि तुमने इंश्योरेंस कराया, सरकार के अलावा भी किसी दूसरी बॉडी से इंश्योरेंस कराया, जो बॉडी इंश्योरेंस एडा से अप्रूव होनी चाहिए, किसी दूसरी बॉडी से भी इंश्योरेंस कराया जो बॉडी एडा से अप्रूव होनी चाहिए, और आपका अमाउंट ही पॉलिसी का 2 लाख रुपए है, इसका मतलब खुद ही समझ जाओ गरीब आदमी है, क्या ही प्रीमियम देगा सरकार को, पता है 2 लाख की जिसने पॉलिसी कराई वो गरीब आदमी है, तो पूरा एग्जम्प्ट है। लेकिन जो जिस जहाँ से उसने कराई है ना लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट, तो ये लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट क्या होता है, मीन्स एनी टर्म इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट विद और विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम एनी, ये मत पढ़ो, कोई काम मत पढ़ो, मत पढ़ो। आप ये देखो कि अगर 2 लाख रुपये तक का कवर है ना, तो पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा। अब इसका इंटेंशन क्या है, छोटे लोग गरीब लोग, जैसे पढ़ा था ना 25,000 रुपये तक का अगर बूढ़े अंकल को ऑर्फनेज ओल्ड एज होम में दे रहे हैं, तो वो इंटेंशन क्या है, आप होटल में गए 1,000 रुपये तक ही दिए, तो इसमें आपकी लग्जरी साबित नहीं हो रही, वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। और ऐसे ही आपने इंश्योरेंस लिया 2 लाख रुपये तक का उसका अमाउंट है, तो वो एग्जम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि आप इंटेंशन समझो लॉ मेकर का, समझ गए। अब ये रटने की जरूरत नहीं है, और नीचे आ जाओ, इनको पढ़ना नहीं, इनको सिर्फ मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, बस काम खत्म, इनको याद नहीं करना। हम कितना इजी बनाने वाले हैं आईडीटी को, कि आपको लगेगा ही नहीं कि आईडीटी, ये तो चलो पहली बार पढ़ रहे हैं, दूसरी बार रिवीजन करेंगे ना मुंह पे होंगी सब, भी सप्लाई चैप्टर अभी भी किसी भी बच्चे से उठा के पूछ लेंगे ना तो उसको याद आ जाएगा, नींदों में भी पूछ लूंगा ना तो भी याद आ जाएगा। एग्जम्पशंस कवर्ड बताओ, कौन सी एग्जम्पशंस कवर्ड बताओ, एग्जम्पशंस तो चल रही है सारी, ये सारी एग्जम्पशंस तो चल रही है, ये सब एग्जम्प्ट है, चैप्टर ही, चैप्टर का नाम ही एग्जम्पशंस है। अब ये आओ सर्विसेज बाय स्टेट इंश्योरेंस पब्लिक की, सरकार की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोल माइन प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम से भी, उनको पढ़ना नहीं है, एग्जम्प्ट है। जनरल, अब जनरल इंश्योरेंस पे भी आएंगे, पहले एक है पेज नंबर 4.110, इनको मैंने आपके लिए छाट लिया कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई है, नोट्स में एक जगह इकट्ठा करके दे दूंगा, रात को नोट्स भी, रात तक नोट्स बन जाएंगे, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया इनको नोट्स बनाने में क्योंकि बड़े थे। देखो ये योजना देखो, अभी हिंदी वाली योजना ऊपर पढ़ ली, अब नीचे भी पढ़ेंगे। अब देखो कितने 138 पेजेस का चैप्टर है, मॉड्यूल से खुद से पढ़ लिया ना, 4 दिन खत्म हो जाएंगे और इंसान आधे रह जाओगे आप, वैसे भी बोर हो जाओगे बुरी तरह। जन आरोग्य बीमा योजना हिंदी की योजना है, देखो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ये सब बंगला, अब ये नई योजना डाली होगी कोई, तो ये इसमें आ गई, तो सब एग्जम्प्ट है, सब एग्जम्प्ट है। ये सारी योजनाएं अलग अलग बाइफर्केट कर रखी है इन्होंने, एक जगह डाल दें तो बच्चे एक साथ ही पढ़ ले, आधी हिंदी इधर आधी हिंदी इधर, दिमाग खराब हो जाए। अभी अपन ने क्या देखा, अपन ने अभी देखा गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं वाली सर्विसेज है ना, कौन कौन सी योजनाएं, एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेंगे कि इनके अलावा कोई ऐसी अलग से शब्द उठा के हिंदी का पूछ लेंगे जो आपको आता ही नहीं होगा। यहाँ तक आज किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत आई ना तो बताओ। अब सुनो, तीन तीन तरह की इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सर्विस हो गई, मॉड्यूल में सब स्कैटर्ड है, बिल्कुल स्कैटर्ड है। मुझे तो लोगों ने बोला था कि सर क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो,
फालतू में ना बच्चों को हाईलाइट करा दो, क्योंकि पढ़ाना तो मॉड्यूल से ही है। मैं भी चाहता तो कर सकता था, क्योंकि मेरे 8-10 घंटे बच जाते, लेकिन है ना हाईलाइट कराऊंगा फिर पन्ने पलट के घूमोगे तुम लोग, कोई मतलब नहीं है। इसको 138 को 38 में करना, कर दूं मैं तो तभी मेरा रोल है, नहीं तो मैं क्या ही बात करूँ। कोई थर्ड क्लास के बच्चे तो हो नहीं, पढ़ के आप भी समझ सकते हो ये सब। तो मेरा पर्पज ये है कि हर चीज़ को एक जगह लाके ये बता दूंगी चीज़ें छोटे टर्म में याद कैसे करनी है और एग्जाम को पास कैसे कराना है। सर सप्लाई के क्वेश्चन करा दीजिए, किसी को इस बात से कोई दिक्कत, सप्लाई के क्वेश्चन अगले 10 मिनट 5-10 मिनट में कर लेते हैं फटाफट। एग्जामिशन उसके देखो कई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं, अप्रॉक्सीमेट 2 या 3 घंटे की एग्जामिशन और बची हैं, जिसमें सारे क्वेश्चन भी करा दूंगा। पहले काम करेंगे, 3 घंटे की क्लास लेंगे, 2 घंटे तो मैं यूट्यूब पे पढ़ा दूंगा, 1 घंटा ऐप पे पढ़ा दूंगा। कल ऐप पे फर्स्ट क्लास है, ऐप पे आ जाना, 1KG10 मेरा कोड है, 1KG कैप्स में मेरा 10 कोड है, वो लगा देना और सारी क्लास ऐप पे फ्री में ले लेना। और अगर सारी टीचर की क्लास चाहिए, क्योंकि थोड़े दिन बाद शायद मेरी भी क्लासेस पेड हो जाएंगी, अकेडमी वाले पेड कर देंगे, तो आप अगर मेरा कोड लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट रेट तो सस्ती है, पर तब तक फ्री में, तब तक तो फ्री में लो और ऐप पे भी फ्री में लो। एवरीथिंग क्लियर टिल नाउ, थैंक यू। इतना बोरिंग टॉपिक है फिर भी आप लोग बैठे हो, मुझे लग नहीं था मैं बोरिंग बना रहा हूँ। आज आपने कौन कौन सी इन्वेंशन करा दी शॉर्ट में बता दो, तुम लोग ही लिख दो, धैर्य तुम लिख के बता दो कौन कौन सी इन्वेंशन करा दी मैंने। क्वेश्चन अपन ने कल कहाँ तक कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिए थे, चंपक चाचा वाला, तारक मेहता के चंपक चाचा थे ना, वहां तक कर लिए थे। अब यहाँ पे आते हैं, कल मैंने एक टर्म पढ़ाई थी आपको कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, प्री टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो जीएसटी में आएगा कि नहीं आएगा, ये सब बताया था मैंने आपको। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा अगर तो सर आप इसके बाद ITC कर, इसके बाद अपन करेंगे ले भी, अपन ने चैप्टर छोड़ा हुआ है 4 दिन GST। आप बोलोगे सर हमने बुक खोली लेकिन हमको लगा आपने पढ़ा दिया, क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर हो गए, लेकिन ले भी बचा हुआ है। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कंपोजिशन स्कीम और RCM, ये 2 टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं करा दूंगा 2 दिन में। अब आप देखो अपने कितने से दिन हुए हैं और अपना क्या क्या हो जाएगा, अपना इंट्रोडक्शन बेसिक उसके कौन कौन से क्वेश्चन है वो बता दिए, सप्लाई पूरा अच्छे से हो गया, एग्जम्पशन कोशिश करेंगे कल खत्म हो जाए, अगले 2 दिन में ले भी करेंगे 4 जब GST, फिर आएंगे मेन चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे गलती करके आते हैं ना, प्लेस ऑफ सप्लाई। हर बच्चा कन्फ्यूज होगा, इतने एग्जाम्पल दे दे के पूछूंगा, दिमाग में बिठा दूंगा, जब तक बैठ नहीं जाएगा ना, कोई उठते भी पूछ लेगा ना तो ये याद आ जाएगा कि सेक्शन कौन से सेक्शन में जाएगा, सेक्शन 11 में जाएगा, 10 में जाएगा, किस में जाएगा। बिल्कुल धैर्य, थैंक यू धैर्य इतना सब लिखने के लिए। अब अपन क्वेश्चन करते हैं सप्लाई का, आखिरी से शुरू करते हैं। देखो ये सब इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन हैं, एक बार चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, बार फोर्थ को अभी थर्ड क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कर दिया। ये जो नोट्स हैं ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, एक बार ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, रटे रटा है एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इनको कर गए ना काम सेट हो जाएगा। सब बच्चे इधर देखो, किसी का भी ध्यान उठाना तो समझ लेना जिंदगी के 10 मिनट वेस्ट कर दिए तुमने, वेस्ट मत करो, मेरे साथ साथ पढ़ो, मैं खुद तुम्हारे साथ क्वेश्चन करा रहा हूँ तुम्हें। मैंने फर्स्ट डे ही बोल दिया था कि मैं कोई कॉन्सेप्ट कराने नहीं आया, बैठ के साथ क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हें, जैसे छोटे बच्चों को कराते ना वैसे कराऊंगा, और एक टीचर की तरह नहीं एक स्टूडेंट की तरह करा रहा हूँ, क्योंकि अपन साथ के ही हैं। आप ग्रुप पे जो हो वो सब जानते हैं सर, यूट्यूब पे लेक्चर नहीं होगा, कल होगा यूट्यूब पे लेक्चर, यूट्यूब से कहीं नहीं जाने वाले। बस आप अब ये देखो क्या लिख रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। शिवाजी प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड सप्लायर सप्लाइज द फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, मतलब इसका काम है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, एक्सेलेरेटर्स फॉर रिक्वायर्ड पीरियड एट अ पर आर रेट, ठीक है। वो देते ना, वो एक मशीन आती है जिससे सामान अपने आप ही पहुंच जाता है वो, ठीक है। मैन पावर फॉर ऑपरेशन ऑफ द एक्सकलेवेटर एट पर डे पर रेट, मतलब अपन मशीन दे रहे हैं वो पर आर के बेसिस पे, ठीक है। वो गुड्स चढ़ाने के लिए जो मशीन होती है ना, जो अपने आप सामान चढ़ा देती है, और मैन पावर फॉर, अब उसको चलाने के लिए जो मैन पावर है ना वो भी पर ये तो मशीन मिलती है पर आर के हिसाब से, और पूरे आदमी मिलते हैं जो 500 रुपये मजदूरी, तो 500 रुपये पर घंटे की मजदूरी नहीं, तो दिन की होती है। और आपने कभी JCB मंगाई होगी तो बोलते हैं JCP 1 घंटे के 800 रुपये लगेंगे, तो JCP और इसी तरह की कोई मशीन है वो जो 1 घंटे के हिसाब से आ रही है। सॉइल टेस्टिंग एंड सिस्मिक एवोल्यूशन सैंपल रेट, ये कोई थर्ड काम है। अब आपको इतना पढ़ के एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये दोनों जो काम है ना एक दूसरे से रिलेटेड है, तो मतलब ये कंपोजिट सप्लाई हो गई, खाली मशीन ला के मशीन ले आओ, तो चलाने वाला नहीं हो तो मशीन क्या काम की, तो दोनों को साथ में आना जरूरी है।
इस तरह की चीजें आ जाएं तो दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए, ये कंपोजिट सप्लाई का केस बन गया। अब इन दोनों में से जो भी मेन प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी, इनमें से एक्सकेलेटर की मशीन जो प्रोवाइड करी ना, वो प्रिंसिपल है, क्योंकि अगर मशीन ही नहीं तो वर्कर किस काम के। सर हम सीए के लिए इंग्लिश कैसे सीखें, इंग्लिश कैसे सीखें, सीए में कोई इंग्लिश की कोई जरूरत नहीं है। सर आप तो कह रहे थे फ्री कराओगे पूरा जीएसटी, अरे फ्री है, फ्री है, जब तक अपना जीएसटी कितनी रफ्तार से खत्म कर रहे हैं तब तक तो फ्री चल रहा है। पढ़ूंगा मैं, फ्री है अनअकैडमी, यूट्यूब पे भी फ्री है और लाइव क्लास पे भी फ्री है। अगर आपको, अगर आप पेड क्लासेस लोगे तो सारी क्लासेस जितनी भी है ना वो आपको एक जगह पे मिल जाएंगी, बस पर्पज ये था। अभी तो फ्री है, इधर आ जाओ आपका, अब डिस्ट्रैक्ट मत करो, बस ये पढ़ो। अब फॉर अ मंथ, फॉर अ गिवन मंथ द रिसीट्स, ये एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। अब ये जो हायर चार्जेस है ना, ये एक महीने में इनको 18 लाख रुपए तो मशीन के पैसे मिले। सर्विस चार्ज फॉर सप्लाई ऑफ मैन पावर, मैन पावर सप्लाई करी ना उसके 20,000 रुपये, और सर्विस चार्ज फॉर सॉइल टेस्टिंग एंड सीस में इवेल्यूशन, ठीक है, उसके 2.5 लाख रुपए। अब मुझे खुद कमेंट में लिख के बता दो आंसर कि किस पे कितना जीएसटी लगेगा, ये पूछ रहा है बस, जीएसटी कितना लगेगा। अब क्वेश्चन में क्या है, जो मशीन की रेट है वो 12% है और सॉइल टेस्टिंग की 18% है और लेबर की रेट 18% है। अब इसमें लेबर जो थी ना, एक तो मशीन को चलाने के लिए जो लेबर चाहिए थी वो 20,000 रुपये की है, 18 लाख रुपये की मशीन है और 2.5 लाख रुपये अलग से हैं। तो मैं तुम्हें खुद ही बता देता हूँ कि मशीन पे और मशीन की लेबर पे, ये कंपोजिट सप्लाई है, प्रिंसिपल सप्लाई इसमें एक्सकेलेटर की है, तो प्रिंसिपल एक्सकेलेटर पे टैक्स लग रहा है 12%, तो 18 लाख 20,000 रुपये, तो 12% टैक्स लग जाएगा, और ये अलग से है, इस पे 2.5 लाख पे 18% टैक्स लग जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, यकीन नहीं होता, शायद 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, आरटीपी एमटीपी है, सी एच यू के मॉडल का क्वेश्चन। अब आप देख लो, हायरिंग चार्जेस फॉर एक्सकेलेटर्स 12%, सर्विस चार्ज 12% और इस पे 18%। हर बच्चे को समझ में आ गया होगा, एक्सप्लेनेशन में क्या दे रखा है, कंपोजिट सप्लाई है, इसके बिना मशीन के बिना वर्कर्स का कोई काम नहीं, ठीक है, कंपोजिट सप्लाई हो गई इसलिए टैक्सेबल सप्लाई है। समझ में आया नहीं आया, आगे बढ़ते हैं। जिस बच्चे ने क्वेश्चन नहीं करे ना, ये सोच के चला गया कि प्रोविजन पढ़ लिए, तो अगली बार यहीं से मेरे लेक्चर देख रहा होगा। चीख के कह रहा हूँ, क्योंकि जो गलतियाँ बच्चे करते हैं ना वो गलतियाँ आप ना करो, खाली प्रोविजन पढ़ लिया क्वेश्चन नहीं करे तो कोई मतलब नहीं है। अब एग्जाम में लिखना कैसे ये भी मैं बताता हूँ, ये लिस्ट तो बनाई दोगे, अब लिस्ट भी नहीं बनाओगे ना, क्योंकि सिंपली लिख दोगे हायरिंग चार्ज फॉर एक्सेलेरेटर 18% × 12%, ये लग गया। फिर नीचे वर्किंग नोट, सिंस एक्सेलेरेटर आर, अब ऐसी नहीं इनकी लैंग्वेज लिखनी है, सिंस ये उसके साथ कंपोजिट सप्लाई है, एग्जामिनर कौन कौन से वर्ड ढूंढ रहा है, एग्जामिनर आपको कंपोजिट सप्लाई वर्ड ढूंढ रहा है, आपका एग्जामिनर ये वर्ड ढूंढ रहा है कि प्रिंसिपल सप्लाई एक्सकेलेटर की है, ये वर्ड ढूंढ रहा है, वो देखेगा कि एट द एंड 18% तो दो पे रेट लगी, एक पे 12%। एग्जामिनर आपको अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 नंबर से ऊपर तो गारंटेड दे ही दे, तो सारा खेल क्वेश्चन आंसर्स का है। बिल्कुल सर, क्वेश्चन 3 छूट गया, वो मैं बता रहा हूँ अभी, पहले क्वेश्चन 3 पे आए, क्वेश्चन 3 थोड़ा बड़ा रहा इसलिए मैं थोड़ा लेट लूंगा अभी इसको, पहले क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। विक्रमादित्य एक सैलरीड एम्प्लॉयड है, ही इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन स्टॉक, याद रखना स्टॉक की बात आ गई, अगर किसी बच्चे ने आप गलती कर दी ना ध्यान रखना, स्टॉक क्या होते हैं, शेयर एंड सिक्योरिटीज, स्टॉक क्या होते हैं, शेयर एंड सिक्योरिटीज, पढ़ो एक बार क्वेश्चन पढ़ो। ही हैज ओपन्ड अ ट्रेडिंग अकाउंट, ड्यूरिंग द मंथ विक्रमादित्य अंडरटुक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिया उसने, क्या पढ़ना है इसको, तुम्हें पता है जीएसटी नहीं लगेगा, आंसर पढ़ो। फॉर अ ट्रांजेक्शन टू फॉल विद इन द प्रीवियस सप्लाई, इट मस्ट बी अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सिक्योरिटीज में आता है वो, डेरिवेटिव्स कोई जीएसटी के अंदर नहीं आते, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स हैं, है ना, नॉट लाइबल टू जीएसटी इन व्यू ऑफ द अबाउ डिस्कशन, इट कैन बी रेफर्ड दैट सिंस द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अंडरटेकन बाय विक्रमादित्य नॉट इन द सप्लाई ऑफ डेरिवेटिव्स एंड नो जीएसटी। अब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको लग रहा है कि कुछ भारी सा क्वेश्चन है, ये बच्चे गलत कर जाते हैं, जीएसटी लगाया है। सर आप फाउंडेशन में भी पढ़ाते हो गया, नहीं प्रकाश फाउंडेशन में नहीं पढ़ाते, अगर आप फाउंडेशन में पढ़ते हो तो यस लिख के भेज दो, इधर आ जाओ। अंगद प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडेड बाय पुलिस टू पीएसयू, ये क्वेश्चन काफी बार आता है, ये क्वेश्चन आगे आएगा मैं बता दूं, बिल्कुल सही बोल रहे हो यतन, ठीक है, ये गवर्नमेंट एग्जम्पशन में आ जाएगा शायद, कि गवर्नमेंट इस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रही है, पीएसयू को प्रोवाइड कर रही है, पुलिस वाला, ये सब आ जाएगा, अपन आगे पढ़ने वाले हैं।
इसमें आ जाओ, अंगद प्राइवेट लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करने का बिजनेस है। एज एन इंसेंटिव अंगद प्राइवेट पेज अमाउंट ऑफ 75,000 टू एम्प्लॉयज अपॉन अचीविंग स्पेसिफाइड सेल्स टारगेट। अब याद रखना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है, वो चीज़ तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज़ पड़ती है कि 50,000 रुपये तक का गिफ्ट हो तो एग्जाम्प्ट इन टैक्सेबल होगा। द इंसेंटिव इज अ पार्ट ऑफ द सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज, इंसेंटिव है ना सैलरी का पार्ट है, इंसेंटिव सैलरी का पार्ट है एंड टीडीएस डिडक्ट हुआ है उस पर, इसलिए अंगत ने उस पर जीएसटी नहीं लगाया। अंगत ने सही किया है गलत किया, बिल्कुल सही किया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। मैंने बताया था कि जो चीज कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हो फिर भी वो 50,000 से ऊपर जा रही है, दिवाली का गिफ्ट दिया वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, लेकिन कैब की सर्विसेज दी वो कॉन्ट्रैक्ट में है, समझ रहे हो। तो ये बोल रहे हैं कि ये तो उसका कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, उसको उस पर सैलरी का टैक्स काट दिया तो जीएसटी नहीं लगेगा। इन द कंक्लूजन पढ़ो, इन द लाइट ऑफ अबाउट डिस्कशन जीएसटी इज नॉट लायबल विद इन द कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन की पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? ये टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। सही किया है। अब आपको बताओ, जो चीज़ बातें हमने उसमें करी थी ना जब मैं आपको बोल के सुना रहा था, वही वही सारी बातें इसमें क्वेश्चन में मिल रही है। एक भी कोई नया क्वेश्चन मिल जाओ तो मुझे बता दो, जो मैंने आपको बताया था ना वही आंसर है, वही लैंग्वेज लिखनी है। अब इधर आ जाओ, कितने सारे क्वेश्चन हैं, अभी दो क्वेश्चन बच रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बच रहा है, 7, 8 छोटा है, पहले 8 पढ़ते फिर 7 करेंगे इसके बाद। अब आते हैं, ये कोई इंडस्ट्रीज है, मोक्ष भूमि, मोक्ष भूमि इंडस्ट्रीज हेरिटेज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इट स्टोर द फिनिश गुड मैन्युफैक्चर्ड बाय डिपो लोकेटेड, ठीक है। अब आप देखो, अब वो वाला केस दिमाग में आ जाएगा ये पढ़ते ही, कि एक महाराष्ट्र में यूनिट है उसकी और एक गुजरात के अंदर अपना उसका स्टोर है, इट स्टोर द फिनिश गुड मैन्युफैक्चर्ड बाय इट एट अ डिपो लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात, द डिपो इज ओन्ड बाय किसी दूसरे पर्सन का डिपो है, वो कोई रिलेटेड पर्सन है और उस पर्सन ने कोई कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया इनसे, तो अब जीएसटी के अंदर आएंगे नहीं आएंगे? देखो, अब उसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि अगर रिलेटेड पर्सन के, रिलेटेड पर्सन के डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि अगर कोई रिलेटेड पर्सन विद इन द बिजनेस काम है, क्योंकि उसका विद इन द बिजनेस ही चल रहा है वो बिजनेस, कि अपना सामान वहां पे जमा करा दिया उसने कोर्स ऑफ प्रेजेंस। अब ये नहीं है कि ये जो टेलीग्राम कॉन्फिडेंस आ रहा है सर, अब थैंक यू धैर्य, ये नहीं है कि उसको खुद का वेयर हाउस है, किसी दूसरे का वेयर हाउस है जो उस काम के लिए पैसे लेता है। वो जैसे एम ने पी को ट्रांसफर करा, इनके नाम मत पढ़ो, बड़े बड़े उलटपटांग से तो नाम है, पुण्य भूमि और मोक्ष भूमि। तो पुण्य भूमि का काम है कि उस चीज के पैसे चार्ज करता है पुण्य भूमि, पुण्य भूमि इसका रिश्तेदार है, मोक्ष तभी मिलेगा जब पुण्य, तो रिश्तेदार तो वैसे ही हो गई। तो मोक्ष भूमि और पुण्य भूमि एक दूसरे के रिश्तेदार है। जो भी बच्चे क्वेश्चंस नहीं कर रहे ना, ये सोचने खुद कर लेंगे कि मान के चलना बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। एक बार फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि लाइफ में बच्चे कम होते जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, और मैं ये क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए करा रहा हूँ क्योंकि मेरा तो कोर्स डिले होगा क्वेश्चंस कराने से। तो मोक्ष भूमि, तो पुण्य भूमि इस चीज़ के पैसे लेता है, लेकिन उससे नहीं लिए तो वो 7(1)(c) के अंदर आ जाएगा और सप्लाई लगेगी। इधर आ जाओ, क्वेश्चन पढ़ते ही तो हमें समझ में आ जाएगा। सिक्योरिटीज दिख गया तो मैं, अब तुम्हें इतना दिमाग में सेट हो गया है, सिक्योरिटीज आती तुम बोल दोगे कि जीएसटी के अंदर नहीं आएगा। और सिक्योरिटी की कोई अगर ब्रोकरेज वगैरह इस तरह की कोई सर्विस होगी तो टैक्सेबल हो जाएगी। सिक्योरिटीज आर नीदर कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देयरफॉर अ ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज व्हिच इन्वॉल्व डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज नॉट अ सप्लाई इन जीएसटी हेंस नॉट टैक्सेबल। SLS does not treat lending of security and disposal. Lending fees charged from the borrower. मैंने आपको बताया अगर lending fees charge करी ना, activities under lending permission are also taxable separately. अगर lending fees charge करी तो taxable है, बाकी exempt आ जाएगी। ये पढ़ो। Krishna Dev is a trader based in India. Ramakrishna brother of Krishna Dev. अब देखो ये import वाला case आ गया। ध्यान से बैठना। कल चीख चीख के पढ़ाया था। अब बिल्कुल एकदम concentrate होके देखो। कृष्णा देव एक ट्रेडर है जो इंडिया में रहता है। इसको मैं लिख लिख के करूं क्या? उसका रामाकृष्ण एक भाई है कृष्णा देव का, जो चाइना में रहता है एंड इज ऑल्सो एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ गुड्स। गुड्स के बिजनेस में ट्रेड रहता है, गुड्स का बिजनेस। अपन ने सर्विस का पढ़ा था, यहाँ गुड्स है। कृष्णा देव
places an order with Ramakrishna for procurement of certain goods from local market in China before the shipment of goods from China to India. अच्छा, उसने बाहर की भारती बेच दिया. तो गुड्स वर, अपन ने कल उसमें पढ़ा था ना शेड्यूल थ्री में, कि अगर गुड्स बाहर की बार बिक जाएंगे तो टैक्सेबल होंगे या नहीं होंगे. अभी पढ़ो द ट्रांजेक्शन बिटवीन कृष्णा देवन. देखो शेड्यूल थ्री में अपने पढ़ा था ना कि सच ट्रांजेक्शन जो बाहर की बारी हो रहे हैं वो इंडिया में आ नहीं रहे तो जीएसटी के अंदर सप्लाई नहीं होगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा. शेड्यूल थ्री नो सप्लाई. समझ में आ रहा होगा हर बच्चे को. मोहनदास इंटरनेशनली एंटर्ड इनटू अ ट्रांजेक्शन फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स. गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज. वो बोलते हैं ना कि वेयर हाउस में जाने के बाद उसने होम कंजम्पशन के लिए नहीं करवाए, लेकिन बाहर देखो जीएसटी तब पे करेंगे ना जब होम कंजम्पशन के लिए गुड्स अपन लेके जाएंगे. पोर्ट पे जीएसटी, पोर्ट पे गुड्स आ गए तब जीएसटी पे नहीं करते. जब हम गुड्स को होम कंजम्पशन के लेके जाते हैं तब ड्यूटी पे करके तब ले जाते हैं. तो उसने क्या करा कि डिपार्टमेंट की बैग गोडाउन में रुके हुए थे गुड्स और उसने ऊपर वहीं की वहीं से बेच दिए. तो जो आदमी उनको क्लियर कराएगा ना वो टैक्स पे करेगा. बस इसको पढ़ लेना. पढ़ लेना एक बार, बहुत आसान क्वेश्चन है. फिर भी कोई डाउट हो ना तो मेरे से ग्रुप में पूछ लेना. एक बार एक काम करना, सारे सारे क्वेश्चन आप पढ़ना. ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है. समझ में नहीं आया मैं मना नहीं कर रहा, मैं नहीं कराऊंगा. एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन. ठीक है, एक एक क्वेश्चन करा दूंगा, सारे क्वेश्चन करा दूंगा. आप एक बार घर से बैठ के पढ़ना. कोई भी चीज़ समझ नहीं आया ना सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिख देना ग्रुप पे. एक भी बच्चे को नहीं आया ना अगले दिन वो डिस्कस कर लूंगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है. मैंने आपको मेन मेन क्वेश्चन करा दिए. कोई भी क्वेश्चन नहीं आया ना मेरे से पूछ लेना. ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे सारे नोट्स वगैरह मिल जाएंगे. अब रात तक बैठ के इसके नोट बनाऊंगा और कल का टाइम बता दूंगा. यही होगा टाइम, ऐप का जो टाइम होगा वो मैं बता दूंगा. और कल कोशिश करेंगे कि एग्जम्पशंस को अच्छे से ख़त्म कर दें. आज अपना ध्यान रखो, घर पे रहो, कोविड से बचो. कोविड से नहीं बचे ना दिक्कत हो जाएगी. हर कॉलोनी में कोई ना कोई आप देख रहे हो, किसी ना किसी कॉलोनी में आप रिलेट कर पा रहे होंगे. अब किसी की कॉलोनी में कोई ना कोई कभी ना कभी जा ही रहे हैं. डाउट लिख देना ग्रुप पे. सर वो रिपेयर क्वेश्चन सर्कुलेशन चैप्टर में आएगा. थैंक्स फॉर टुडे सेशन. थैंक यू सर. आज जैसे भी नोट्स बना देना एग्जम्पशन के. हाँ आज नोट्स बना दूंगा एग्जम्पशन के. एग्जम्पशन के नोट बहुत टाइम कंज्यूम कर रहे हैं लेकिन बना दूंगा. ठीक है, क्वेश्चन करना, घर पे रहना और वीडियो को लाइक कर देना. और कल मिलते हैं. थैंक गॉड और टेक्निकल इश्यूज नहीं आए. कल इम्प्रूव करते हैं चीज़ों को. थैंक यू सो मच. और कल लेक्चर अच्छा लगाओ. दो एग्जाम्पल बहुत बोरिंग टॉपिक होता है फिर भी कोशिश की थी इसको अच्छे से पढ़ाओ. कल और अच्छी अच्छी नई नई स्टोरीज बना के लेके आऊँगा जिससे आपको इंटरेस्टिंग लगे. क्योंकि एग्जाम्पल देते हैं ना तो उससे इंटरेस्ट डेवलप होता है और एक इमेज क्रिएट हो जाती है वर्चुअल इमेज दिमाग में. तो अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करना. और अपना टारगेट ये है कि हर बच्चा इस बार जीएसटी मतलब एटलीस्ट इंडायरेक्ट टैक्स में एग्जाम्पल लाए, सेकंड ग्रुप क्लियर हो और सी ए. ठीक है, किसी भी तरह का और भी कोई डाउट हो तो आप चैट में लिख सकते हैं, ग्रुप पे लिख सकते हैं. अपना ही ग्रुप है, अनअकैडमी का ग्रुप है. आप आएँ, वहाँ पे डिस्कशन चलता है और मैं सारे रिप्लाई करता हूँ. कोशिश करता हूँ जितने रिप्लाई इंस्टेंट कर सकता हूँ. तो किसी भी तरह की जितनी भी जो भी आपके फीडबैक्स हैं जो भी हैं आप ग्रुप पे लिखें. मैं कोशिश करूँगा इम्प्रूव करने के लिए क्योंकि मेरा पहला ही बैच है. और बस थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट. सर प्लीज़ चार्जेबल मत कर दे संदीप, तुम तो डर गए. कोई चार्जेबल अभी तो कुछ नहीं हो रहा है. अब देखो मेरे हाथ में कुछ ज़्यादा होता भी नहीं है, आपको पता है. आई एम जस्ट वर्किंग फॉर अकेडमी एंड चार्जेबल भी होता है. अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो फ्री चल रहा है. यूट्यूब पे लाइव क्लास पे बहुत नॉमिनल फीस होती है. अभी तो फ्री है, अभी कोई टेंशन मत लो. अभी आप लाइव क्लास भी फ्री है और यूट्यूब भी फ्री है. ठीक है, और जीएसटी बहुत कुछ हो रहा है. ऐप पे भी फ्री होगा ना? फ्री है, अभी फ्री है. ठीक है, तो थैंक यू सो मच. और कोविड से बिल्कुल ध्यान रहना. बाहर की चीज़ें, बाहर निकलना, बाहर का खाना, गलती से मतलब निकलते कोविड हो रहा है पता भी नहीं चल रहा कब कोविड हो जाता है. जैसे ही बाहर निकलो कोविड हो जाता है. तो बिल्कुल अवॉइड करना कि थोड़े दिन अंदर ही रहो ना. इस टाइम तो बच गए ना, फिर अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को फ्यूचर में कहानियाँ सुनाओगे कि हमारे टाइम ऐसा हुआ था और हम बच गए थे. तो कहानियाँ सुनाना है अपन को, बच के रहना है, ध्यान रखना है, तभी पेपर दे पाएंगे.
क्लास ओवर करते हैं, क्वेश्चन जो भी नहीं आया पूछना, बेझिझक पूछना, मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए यहाँ बैठा हूँ। किसी भी तरह की हेल्प हो, हर तरह के डाउट्स, आपके सारे डाउट सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, चाहे रेलिवेंट हो या नहीं हो, कैसे भी करके पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, मैं जाता हूँ और कल अपनी वीडियो क्वालिटी भी इम्प्रूव करके आऊँगा। चलो बाय, थैंक यू क्लास।